ये लोग तुझे क्यों मार रहे हैं? नहीं भैया, ये तो ऐसे ही। ऐसे क्या मतलब? स्टिक्स देखो। भैया सुनो तो। क्या बात है विक्रम, क्या हुआ? हम लोग रैगिंग कर रहे थे, ये कौन होता है जाकर प्रिंसिपल को बताने वाला? ये देखो, रैगिंग करना गलत बात है, गवर्नमेंट ने भी उसे बैन किया है। तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, मैं भी अपने भाई को बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। देख मेरी बात मान, लड़ाई बंद कर। तुम लोग झगड़ा करने नहीं आते यहाँ, वैसे भी किसी के लिए झगड़ा करना अच्छा नहीं। प्लीज क्लासरूम में जाओ। ओके चलो भार्गव। ये क्या है? कुछ नहीं भैया। ए, मेरे भाई को किसने मारा? मैंने। तूने मारा मेरे भाई को? मैंने। Oh!
मेरे बेटे पर हाथ उठाया। तेरे बेटे ने पहले मेरे भाई पर हाथ उठाया, तो मेरे बेटे पर हाथ उठाया ना। तू पहले मेरी बात सुन, तेरे बेटे ने मेरे भाई पर अगर हाथ उठाया ना तो अगली बार गर्दन नहीं पकड़ूंगा, मरोड़ दूंगा। लेकिन मैं तेरा मामा हूँ, समझ गया? खुशी के मौके पर तू मेरा रिश्तेदार होगा। झगड़े में कोई नहीं, ना मैं तेरे घर पे आया था ना तू मेरे घर पे। मैंने तेरे घर पे खाना तक नहीं खाया है। मेरे माँ बाप को तूने कभी देखा भी है? तूने मेरे लिए क्या किया है जो मैं तुझे अपना मामा समझूं? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? कहा ना कुछ नहीं हुआ। देखा चाचा जी भाई ने क्या किया? मैं वही देख कर आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में देखा मैंने तुमने कितने रोगों की मरम्मत की है अच्छी तरह से। अरे मेरे भाई, ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है बताओ तो जरा। अगर उनमें से कोई एक मर जाता तो तू चला जाता जेल में, और मैं और तेरे ये छह भाई किसी पेड़ के नीचे जाकर भजन गाते रामा। अच्छा दिखता क्या वो, तू ही बता। मैंने भाई का खून देखा और मेरा भी खून खौल उठा। आप क्यों रिस्क लेते हो? मुझे एक बार बोल दिया होता तो मैं वेफर की तरह से मसल देता और बुलडोजर की तरह। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे भाई की परवरिश में गलती है। पिछली बार पद्माराव जी के यहाँ रेंट पर रहते थे, वहाँ पे फ्लोर ठीक न होने की वजह से ये प्रकाश गिर गया और तेरे बड़े भाई ने उस ओनर का पैर तोड़ दिया। मेरे भाई, तुम लोगों के लिए घर सेटअप करने के चक्कर में मुझे पूरे 10 दिन लग गए, लेकिन क्या फायदा, तू 10 मिनट भी उसमें नहीं टिका। अरे कल की बात लो, ये संधि नगर में ये छोटा हाथी क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते खिड़की का कांच तोड़ दिया। अरे कांच तो फिर भी लग जाएगा, लेकिन तुम्हारे गुस्से की वजह से हम लोगों को अपने ही गांव से इतनी दूर आकर रहना पड़ रहा है। सिटी में जितने भी घर थे सब खत्म हो चुके हैं, बस ये आखिरी घर है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ कुछ किया तो हमें सीधा तंबू तान कर सेटल होना पड़ेगा। अरे भाई बस करो, अब मैं और नहीं सुन सकता, बस। अरे अरे अरे, ए, पूरी की पूरी पलटन उसके साथ चली गई। जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं आ सकता क्या? चुप। अच्छा बिजनेस था, अच्छा कमा रहा था, मैरिज ब्रोकर था, वो भी नहीं रहा, इसने मुझे घर का ब्रोकर बना दिया। पता नहीं आगे क्या क्या बनना पड़ेगा। ए, मन करो, इधर आओ, आओ आओ। इधर नहीं है ना वो? तो तुम्हारे भाई का गुस्सा कम करने के लिए उसके पैरों में बेड़िया डालनी पड़ेगी। मतलब भाई का पैर बांधना होगा? अरे नहीं पागल, उसके हाथ पैर नहीं बांधने हैं, एक लड़की को घर पर लाना होगा। बस इतनी सी बात है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सुबह दूध वाली आती है ना, उसके बाद वो साफ सफाई वाली आती है, और उसके बाद बर्तन धोने वाली आ जाती है, उसके बाद बाथरूम धोने वाली आती है। ये काम वाली, दूध वाली, बर्तन वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्हें भूल जाओ। तुम्हारे भाई की बीवी, तुम्हारी भाभी को इस घर लाना होगा। ओ, भाई के गुस्से के आगे एक भाभी काफी है क्या मामा जी? मुझे क्या, मैं तो 10 को लेकर आ सकता हूँ, फिर तुम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, ये सोच लो। ये फालतू की बातें बंद करो और ये सोचो कि तुम्हारा भाई शादी के लिए मानेगा या नहीं। मैं नहीं मानूंगा। इससे पहले इसे IAS पास होकर कलेक्टर बनना है, 9 years. इसे डॉक्टर बनना है, 7 years. इन दोनों को टैलेंटेड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ, 25 years. इसे पुलिस ऑफिसर बनाना है, और 6 years. और इसे बहुत बड़े होटल का ओनर बनाना है। ये बात तुमने बराबर बोली, पर उस होटल का पूरा खाना ये ही खा जाएगा मेरे लाल, मेरे प्यारे। जरा सुन, जब ये सब हो जाएगा ना तो तेरी उम्र की एक्सपायरी डेट हो जाएगी। बिन ब्याह आदमी सूखे बरगद के पेड़ की तरह होता है, गृहस्थी बसाने में ही समझदारी है, तुझे तेरी बीवी का सपोर्ट भी मिलेगा, समझ गया? नहीं ऐसा नहीं होगा, लक्ष्य पहले, शादी बाद में। लिख लो। यस सर। 7 चिकन बिरयानी। यस। 7 मटन फ्राई। 7 बॉइल्ड एग्स। और 2 छोटा थम्सअप। और आज स्वीट डिश क्या है? खीर का दम सर। वो भी साथ देना, सब पार्सल करके दे दो। ये लीजिए सर आपका पार्सल। अकाउंट में लिख दो। वेलकम। थैंक यू। ये भूख हड़ताल करने का सच, ये छोटा पेट हजम नहीं कर पा रहा है भैया। अरे 6 महीने की चर्बी बची हुई है ना, एडजस्ट कर। अरे प्रकाश, आकाश, भार्गव, महेश, राजेश, राकेश, सब आ जाओ, गर्मा गर्म बिरयानी, जलेबी, थम्सअप, सब रेडी है। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्राइक। स्ट्राइक? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। तुम्हारी डिमांड क्या है? भाभी, जल्द से जल्द हमें भाभी चाहिए। जल्दी शादी करके हमारे लिए भाभी लाइए। अरे भाई, शादी उम्र कैद की सजा है। पर भैया ये जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही समझ लो, लेकिन जिंदगी भर का फैसला 1 घंटे में कैसे होगा? अगर आज फैसला नहीं हुआ तो 2 इलेक्शन के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। हाँ। तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ अभी हम लोग बहुत खुश हैं, जो चाहे कर रहे हैं, जो जिसकी मर्जी उल्टा सीधा सोता है, जैसा चाहे वैसे खाता है, इधर उधर सोते हैं, जब इच्छा होती है तब उठते हैं। हमने जो खेला वो खेल है, हमने जो गाया वो गाना है,
अरे अरे अरे, ऐसे में अगर कोई लड़की आएगी तो तरह तरह के रूल्स बनाएगी। इतना ही क्यों, वो जो बनाएगी खाना पड़ेगा, जो भी देगी पीना पड़ेगा। अरे वो हर चीज टाइम टू टाइम करने बोलेगी। तुम लोग सोच लो, इस सब की क्या जरूरत है, बेवजह इतनी सारी तकलीफ क्यों? ये सब कहानियां हमें मत सुनाइए भैया, एक महीने के अंदर घर में भाभी होनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं खाएंगे। ओह, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं भी स्ट्राइक करूंगा। भैया मैं भी उनकी तरह स्ट्राइक करूंगा, लेकिन अभी पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक छोटा सा बिरयानी का पैकेट ले लूं? हाँ उठा ना। हे महेश, अगर तू एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या तेरा वजन कम हो जाएगा? लेकिन अगर तूने स्ट्राइक तोड़ दी तो हमारे वजह से भाई की जिंदगी मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगी। बस भाई बस, आज मैं भाई के लिए त्याग करूंगा और खाली पेट ही सो जाऊंगा। क्यों रे, तुझे भूख लगी है? बहुत जोर से भूख लगी है भैया। अरे तुम्हारी मांगे मुझे मंजूर हैं। मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त है बेटा? चाचा हाँ? जो लड़की हाँ? इस घर में आने वाली है वो मेरी बीवी बनकर नहीं हाँ? बल्कि इन बच्चों की माँ बनकर हाँ? रही। वो लड़की मुझे पसंद ना आए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को पसंद आनी चाहिए। Let me tell you what hurts the most. I'm a convicted felon and I can't work. No matter where I go, I try to get paid. They never give me the job cause they are afraid that I'm a sick of my boy, yes, sticky. हेलो सुजी, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने तय कर लिया है इस साल बहन की शादी करनी है। कोई अच्छा प्रपोजल है? कैसा लड़का चाहिए? तू मेरे बारे में जानती है ना, तो जो मेरे साथ हुआ है उसके साथ नहीं होना चाहिए। रिश्ता देखने से पहले इस बात का ध्यान रखना। हेलो नंदिनी स्वराज। या नंदिनी स्वराज जी। मिसेस नंदिनी। मिसेस नहीं, मिस। ओके ओके, लंदन के एक फ्लाइट की टिकट कंफर्म कीजिए। जी, थैंक यू। ऑलराइट। हाय। क्या दीदी, अभी अभी तो आई हो और अभी से जाने की बात कर रही हो? वर्क इज लाइफ बेबी, जिंदगी में काम करना चाहिए। व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, कहाँ से खरीदा? ड्रेस की बात छोड़ो, पहले ये कैप्शन कविता पढ़ के सुनाओ ना प्लीज। ओके। कल तक दिन में 24 घंटे, जब से तुम्हें देखा तब से वो 24 मिनट बन गए। रोज कॉस्मेटिक लगाने से त्वचा में निखार आएगा सिर्फ 24 सेकंड में। वाव, सो स्वीट, बहुत अच्छा है। तुम्हारी एड एजेंसी कैसी चल रही है? वो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। okay. मैं चलती हूँ। बाय बाय। हे मंजू, मंजू मंजू, एक सेकंड। कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में अगर कोई, अगर आप बंदर से भी शादी करने को कहोगी ना तो मैं खुशी खुशी कर लूंगी। क्यों, अगर बंदर होगा तो तू उसे नचा सकती है इसलिए। दीदी, बचपन से लेकर आज तक मेरी दीदी ने मेरे लिए सब कुछ किया है। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं मुझसे ज्यादा मेरी दीदी को पता होता है। ओन डिसीजन लिया और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकूंगी। और मुझे विश्वास है जो दीदी के साथ हुआ अगर मेरे साथ हो तो भी दीदी मुझे प्यार करेंगी। बहुत अच्छी हैं वो, मुझे बहुत प्यार करती हैं। स्कूल बस पलट गई है। आराम से निकालो भाई, बच्चों को निकालो, आराम से उतारो। अरे पूर्णा, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। तू जा 108 पर फोन कर। लगता है किसी ने फोन कर दिया है, एम्बुलेंस की आवाज तो आ रही है। एम्बुलेंस वहाँ फंसी हुई है। सब लोग अपने जाने की सोच रहे हैं, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे। कैसे लोग, दिमाग किसके पास है भाई? पूर्णा उतर जा। हाँ भाई। लोगों को वहां से हटा। चलो
चलो चलो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो चलो चलो हाँ क्रेन नीचे लो भाई। ऐसे लोगों की वजह से दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है ना? वेरी गुड कैप्शन बहुत अच्छा है कीप इट अप मंजू। थैंक यू सुरेंद्र। दोपहर 3 बजे मुंबई की पार्टी आने वाली है उनका कॉस्मेटिक कैप्शन तुम ही लिखना। वाओ कांग्रेचुलेशंस मंजू। थैंक्स। कैसा लग रहा हो भैया? अरे ये जोकर की तरह मेकअप किस लिए किया? अरे उधर मुझे देखकर कोई अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना इसलिए। और मैं दूल्हे की तरह लग रहा हूँ? बढ़िया बढ़िया। आप तो दूल्हे के बाप जैसे लग रहे हैं। ये अगर कुछ दिन ऐसा ही रहा ना तो ये तुम सबका भी बाप लगने लगेगा। बहुत देख लिया। चलो भैया अखबार में आपकी फोटो छपी है। भैया ये फोटो किसने ली? पता नहीं किसने खींची है। किसने भी ली हो उसे कबड में रखो और चलो यहाँ से जल्दी करो। लेट हो गया है लेकिन बहुत अच्छे दिख रहे हो। अरे परमेश्वर कहाँ है तू? अरे बाप रे ये कहाँ से आ गई? तुम लोग कोई मत बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं छिप जाता हूँ यहीं पर। आओ दर। बहुत अच्छे दिख रहे हो शिवाजी। तुम्हें कोई भी लड़की देखेगी तो आकर गले लग जाएगी। वैसे वो कहाँ है? इधर आ तो आ जा। हाँ मैं इसकी तारीफ करने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। वो अभी नहीं हो सकता। तू उधर से स्टूल लेके आ। एक बार जो कपड़ा पहनते हैं उसे दोबारा नहीं पहनते। मैं भूल गया था दोबारा नहीं होगा। वैसे ही अच्छा दिख रहा है ना। अनुशासन अनुशासन चाहिए मुझे। पहले ये कपड़े उतार। आप अभी एलिमेंट्री स्कूल की टीचर नहीं रही आप रिटायर हो चुकी हो। पहले कपड़े उतार। इधर नहीं मैं चेंज कर गया। ऐसा नहीं चलेगा। तू अभी इधर ही कपड़े चेंज करेगा। उधर देखो रे मार डालूंगा। हम अभी देख सकते हो। अभी मुझे धोया ना अब ये कपड़े भी धो। ठीक है अभी तुम जा सकते हो। चलो भाई कम ऑन। चलो चलो आओ बेटे। माँ आपको ये लड़का छोटा नहीं लग रहा? ये नहीं वो आ रहा है। नमस्ते, नमस्ते। क्या ये दोनों? नहीं हम नहीं वो आ रहे हैं। लेकिन माँ ये तो बूढ़ा है। मैं नहीं वो पीछे से आ रहा है। मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके खाने पर कई लोग मरते हैं। खाने के पहले या बाद? आपकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। पहली वाली बेटी की शादी हो गई? वो मेरी बीवी है। आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। लड़की पसंद आ गई हो तो बोल दीजिए। अगर मेरे भाइयों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बोल दो ना अच्छी है। कितनी अच्छी लग रही है देखो देखो। ओके ओके। नॉट ओके। हाथ खाली नहीं है अब उधर रख दीजिए। डरिए मत मैं पी लूंगा। ओके भैया। ओके तू? ओके नॉट ओके भैया। चलो भैया चलो। अरे रुको अरे मेरे लिए अबे माफ करना अबे मैं तो चला। चाचा जी मुहूर्त निकल जाएगा। चलो तू अपना मुंह बंद रख मोटे। मुहूर्त नहीं निकलेगा। तुम लोग जैसा कर रहे हो ना वैसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। चाचा जी
हम सबको पसंद आया ऐसी लड़की नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन तब तक तू 60 साल का बूढ़ा हो चुका होगा चम्मिया। चाचा जी क्या हुआ, मैं नहीं चिल्ला सकता? बड़े सबको पसंद आनी चाहिए, ऐसी फिक्सिंग लगा के बैठे हुए हो, अभी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अभी तक तो ये 310 रिश्ते तोड़ चुका है मोटा। चाचा जी, हम सब में सबसे ज्यादा समझदार तो यही है, हम सब ने माँ को देखा है। एक यही है जो माँ को नहीं देख पाया, इसीलिए घर में जो औरत आएगी उसमें इसे माँ नजर आनी चाहिए। जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा हम लड़कियाँ ढूंढते रहेंगे। अब इतना बड़ा तुमने सेंटिमेंटल टच दे दिया है तो अब ना कैसे बोल सकता हूँ। बिना वोटिंग के हम लोग हाँ ही बोल देते हैं। लेकिन एक बात है जो मैं बोलना चाहूंगा। क्या बात है चाचा? इस बार रिश्ता देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं इस छोटे हाथी को लेकर जाऊंगा। तुम लोग थोड़ा कूल रहोगे? अरे हम लोग इतनी बड़ी गैंग को लेकर जा रहे हैं तो लोग डर रहे हैं। तुम लोग इंतजार करते रहो यहीं पर, मैं और ये जाकर आते हैं। चलो चलो चलो। देखो आप लोग नाराज मत होना कि आप रिश्ता देखने नहीं जा पा रहे हो। आप ये सोचो कि आप मेरी आंखों से वहाँ देख रहे हो और मैं अपने पेट से आपका पेट समझ के खाऊंगा। आप जो भी बोलने वाले हो हमारी तरफ से तो ऐसे ही होने वाला है। ग्लास नीचे रख रहे। देख लिया क्या? हमारा लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दोनों हाथों से अच्छी कमाई कर लेता है और 10 लोगों को खिलाता है। वो क्या है, वो PSR? हाँ, वो PSR में चीफ मैकेनिक का काम करता है। ओहो। पर अगर बोलने जाऊँ तो आप वही शिवाजी है ना? दीदी मैंने बताया था ना, स्कूल बस पलट गई थी, इन्होंने ही क्रेन से स्कूल बस को सीधा किया था। मैंने उस वक्त इन्हीं की फोटो निकाली थी। अच्छा, वो फोटो तुमने ही निकाली थी? बेटा मैंने भी वो फोटो देखी है। चलो अच्छा है कि तुम्हें मेरे लड़के का नाम ही नहीं कैरेक्टर के बारे में भी पता चल गया है। अब मैं क्या बताऊँ, बस तुम इतना कह दो कि ये शादी मंजूर है तो फिर मैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दीदी की पसंद मेरी पसंद है। मेरा भी ऐसा ही है, मेरे भाई की पसंद मेरी पसंद। तुम्हारा नाम क्या है? महेश। 10 साल पहले महेश ये नाम हमारे यहाँ फेमस हुआ करता था लेकिन इस बात को लेकर ये हमेशा रोते रहता है। बोलो महेश, भाभी पसंद आई? बोल। ओके बोलेगा कि नहीं? तू आपको पुलिस बनना है, टेररिस्ट की तरह बात क्यों कर रहे हो? बोल जल्दी। ओके बोलेगा कि ओके। इसने ओके बोल दिया, इसने भी ओके बोल दिया। लड़की को तू पसंद है, तेरे भाई को और तुम्हें लड़की पसंद आ गई है। अब हम बड़े लोगों को कुछ बातें करनी है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चाचा जी वैसे कुछ ज्यादा काम नहीं है। क्यों रे, लड़की को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है? शादी के बाद लड़की को ले जाकर तू अपनी कंपनी में ही रख लेना। चलो जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। ऊपर जाओ मंजू, इसे भी लेकर जाना। परमेश्वरम जी, हाँ? मैं अपने पति से अलग रहती हूँ, अब तक डिवोर्स हुआ नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की जिंदगी मेरी तरह ना हो। क्या हुआ बेटी? उनका बड़ा परिवार था जहाँ पे मैं घुल मिल नहीं पाई और मेरी बहन की आदत भी कुछ मेरी ही तरह है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे भी मैं एक छोटे से परिवार में भेजूँ। शिवाजी के परिवार में कौन कौन है? शिवाजी का परिवार है। अगर बोल दिया तो सब चौपट हो जाएगा। शिवाजी का परिवार बहुत छोटा है। इसका मतलब उसके माँ बाप और अभी जो छोटा भाई आया था। बचपन में ही उसके मम्मी पापा गुजर गए हैं। ओह, यानी कि वो दोनों ही हैं? हाँ। मेरी बहन बहुत लकी है, ये रिश्ता मुझे पसंद है। कोई अच्छा मुहूर्त निकलवा दीजिए। ये लो 100 रुपए। मेरी कमर, ये गड्ढे भी ना। क्या चाचा जी, छोटे ने तो हाँ बोल दी, रिश्ता पक्का ना? एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? मैंने बताया था ना मैं दहेज नहीं लूंगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है उसकी जिस घर में शादी हुई थी उस घर में उसकी बड़ी सास, बड़े ससुर, छोटे ससुर, ऐसे 3 ससुर रहते हैं और 3 सासें हैं और ये वो करके कुल मिलाकर 50 लोग रहते हैं। अब उन सब की सेवा कर करके बेचारी को बैक पेन शुरू हो गया था और साल भर में ही वो उस घर को छोड़ आ गई। तभी उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन की शादी बड़े परिवार में नहीं कराएगी। हमारा परिवार कौन सा बड़ा है चाचा जी?
एक मैं हूँ और मुझे छोड़कर छह लोग हैं ना, तब भी वो लड़की नहीं मानेगी। पता नहीं उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि उसने मुझसे कहा शिवाजी के परिवार में शिवाजी और छोटा भाई रहते हैं। उसने जैसा कहा मैंने भी हाँ बोल दिया और मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। शादी के बाद उसे पता चला कि पांच भाई और है तो? नहीं चाचा जी, झूठ बोलकर मुझे शादी नहीं करनी। अरे अरे, लोग 100 झूठ बोलकर एक शादी करवाते हैं, मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। सॉरी चाचा जी, मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। आप नंबर दीजिए, मैं बात कर लेता। अरे 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 अरे, ना ना करते, इतने रिश्तों को तोड़ा है, एक रिश्ता जमा है उसको भी मत बिगाड़ो। नहीं चाचा जी, वो लड़की मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानती है, उसे पता है मैं कौन हूँ। मेरे भाइयों की वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप नंबर दीजिए। मंजू, पहली बार भगवान ने मुझे आपसे मिलाया, दूसरी बार दीदी ने मुझे आपसे मिलाया, तीसरी बार मैं खुद आपसे मिल रही हूँ। आपने मुझे किस लिए बुलाया? मुझे एक बात पूछनी थी, इसीलिए यहाँ बुलाया। आपने मुझे यहाँ पर ही क्यों बुलाया? किसी रेस्टोरेंट में बुला सकते थे, मल्टीप्लेक्स में बुला सकते थे। मुझे बुद्ध बहुत पसंद है। आपको वो पसंद है या उनकी अच्छाइयाँ पसंद है? उनकी अच्छाइयाँ, आपको बस इतना ही पूछना था? नहीं, और भी है। उस दिन वो रोड एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, वो आपका काम नहीं था, आपकी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी आपने स्कूल के बच्चों को बचाया। तभी मैंने सोच लिया था ऐसा इंसान मेरा जीवन साथी बने तो। आदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, खूबसूरती पहचान है तेरी। आदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, दुनिया अब तू बन गई है मेरी। आदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, दुनिया अब तू बन गई है मेरी। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फैली अब हर सू, आई जो जिंदगी में तू, चमकी है किस्मत उसे अब ना छेड़ूं, बन गई जो मेरी अब तू। आदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, दुनिया अब तू बन गई है मेरी। बादल भी पड़ जाए फीके तेरे इन काले बालों से, अंबर के तारों से भी सुंदर जो है तू। मोती भी लगे हैं फीके तेरी आंखों की चमक से, रत्नों हीरों से भी अनमोल जो है तू। फूल भी है फीके तेरी प्यारी सूरत से, तेरी हंसी की खनक भी है बड़ी प्यारी। आदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, दुनिया अब तू बन गई है मेरी। सूरज रोशन हुआ है जब से तुझको देखा है, जग भी हुआ है अब तुझसे ही रोशन। पौधों में जान आई है, बागों में जो तू गई है, हरियाली में लाई है तू नया यौवन। कहानी वो है अधूरी
जिसमें ना बातें तेरी होती, गजल भी मुकम्मल अदा से तेरी। अदाएं तेरी प्यारी, खूबसूरती पहचान है तेरी, दुनिया अब तू बन गई है मेरी। बेटा शिवाजी देखा तुम्हारा भाई 1-2 किलोमीटर गहराई में चला गया है देखा शिवाजी कौन है सपने में हो अच्छा 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 शिवाजी तुम उस लड़की से बात करने गए थे, वो बात तुमने बोल दी क्या? मैं उससे कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा वो छोड़ दो। अच्छा उस लड़की ने तुमसे कुछ बात की क्या? बहुत बोली चाचा जी। जी अब तक सिर्फ हैवी व्हीकल्स फेस किया ना, इसीलिए लड़की को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही कुछ आइडिया बता दीजिए ना चाचा। तुम ऐसा बोलना कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और ये बाकी के सब है ना वो चचेरे भाई है। सिर्फ शादी के लिए आए हैं, बाद में चले जाएंगे। वो कैसे चाचा जी? मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो, शादी के बाद वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी और ऑटोमेटिकली वो इन सब की भाभी बन जाएगी। एक नाइट को किसी दिन अच्छा मूड देकर अपनी जॉइंट फैमिली और उनकी अच्छाइयों के बारे में उसे अच्छी क्लास दे देना, फिर वो लड़की हाँ बोल देगी। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे मान जाएगी, उसे मानना ही पड़ेगा। अपने बच्चों को कोई माँ बाहर भेज सकती है क्या? इसी तरह इतने अच्छे देवरों को कोई भाभी बाहर भेज सकती है? कैसे भेज सकती है? तुम लोग कोई टेंशन मत लो। जिस तरह 5 पांडवों के लिए श्री कृष्ण थे, उसी तरह तुम 7 भाइयों के लिए ये परमेश्वर है। आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हैं? सही तो मैम, ये मेरे 16 साल की मेहनत, आदर और विश्वास की पहचान है और वही सारी चीजें आज मुझे MPC देने में मदद करेगी। आज तक मैं स्टेट की सेवा कर रहा था, लेकिन अब पूरे देश की सेवा करूंगा और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्लैप। सुपर्ब डैडी। कैसा था? कैसा था? कैमरे के सामने तो आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन असलियत तो वहीं पता चलेगी ना। तुम लोगों के लिए मैं हूँ नारे। नेक्स्ट टाइम मैं तेरा ही। मामा जी, भाइयों से काम क्यों करा रहे हो? इसमें गलत क्या है? आगे चलकर काम ही तो करना है, समझ गया ना? पिताजी मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूँ, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलिए। 100 में से 100 आने चाहिए, चाहे कॉपी करके लाओ। 100 लाऊंगा तो 100 दोगे ना? 100 की क्या बात है, 1000 दूंगा। चलता हूँ भैया। तू कहाँ जा रहे? एग्जाम देने जा रहा हूँ मामा जी। एग्जाम लिख कर क्या करेगा, साइट पर जाओ और कितने कूली काम करे हिसाब लिख। मैं नहीं लिखूं, मुझे उल्टा जवाब दे रहे हैं। प्रकाश, प्रकाश। मम्मी ने सच कहा था, आप जिस गांव में रहते थे वहां पर भीख मांगने की नौबत आ गई थी। तब आप मेरे पापा के पास आए और बोले कि आपके पैरों के नीचे रहूंगा, सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दो, और उनके पैरों के नीचे रहकर उनके ही नीचे गड्ढा खोदने लगे। और आज तुम हम लोगों को नौकर बनाकर रखना चाहते हो ना? हाँ, तुम्हारे बाप का पैसा खाया दबाया और आज उसी पैसों से मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। तुम क्या सोचता है मेरे इतना बड़ा आदमी बनेगा? इसको डॉक्टर, इसको इंजीनियर और इसको कलेक्टर बनाएगा? बनाऊंगा। मैं अपने भाइयों को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाकर दिखाऊंगा, सबको ऊंचे ओहदे पर लेकर आऊंगा और उसी दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहूंगा। क्या रे, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इसको ये बनाऊंगा, उसको वो बनाऊंगा, उसके बाद मेरे सामने आकर खड़ा रहेगा। हो गए सब बड़े, बोल मैं खुश हो जाऊंगा। आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। तुमने मुझे शराब देकर इस घर से निकाल दिया था मामा जी, मगर उस वक्त जिस देवी ने हमें आशीर्वाद दिया उसे लेने आया हूँ। कैसी हो मामी? क्या बेटा, तूने तो मुझे पूरी तरह भुला ही दिया। कैसी बात कर रही है, सुबह उठकर माँ बाप के बाद आप ही को याद करते हैं हम सारे भाई। ये शादी का कार्ड। किसकी शादी है? मेरी है, अगर आप शादी में आ गई तो हम सबको खुशी होगी। तू और तेरा परिवार
सदा खुश रहे मेरा आशीर्वाद है। अच्छा चलता हूँ मामी जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वामदारगगनसुदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविज्ञानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकायकांतं। इसलिए मैं लेट पैदा हुआ, पहले मेरा नाम सन्यासी रखा था, मुझे वो नाम पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना नाम महेश रख लिया। मैं अपने पिताजी के लिए बहुत लकी था। तो एक अकेला काफी है मेरी बहन को सताने के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी तो माँ होती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि माँ मुझे खाना दो, मेरी पीठ में साबुन घस दो, दादी देख रहा हूँ। चाचा जी क्या हुआ? भाई कहाँ है? रहने दो ना उन्हें, मेरे भाई के बेटे हैं वो लोग, बस आते ही होंगे। वो देखो वो आ गए। आ जाओ चाचा जी। भाई से एक दिन दूर रहकर ऐसा लग रहा है जैसे एक युग बीत गया हो। परमेश्वर जी ये सब कौन हैं? ये सब मेरे भाई के बेटे हैं, यहाँ पर आए हैं। बैग लेकर आए हैं ना, इसलिए शादी का वक्त हो गया ना, इसलिए स्टेशन से डायरेक्ट आ गए हैं। चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, चलो चलो जल्दी चलो। लड़की को मंगलसूत्र पहनाइए। श्री गणेशाय नमः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा। ओहो, इसको मेहंदी लगाना कहते हैं क्या? आज से पहले मैंने सिर्फ फिल्मों में ये देखा था, आज फर्स्ट टाइम डायरेक्ट देख रहा हूँ। मुझे भी लगाओ ना प्लीज। लड़के मेहंदी नहीं लगाते। मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना दीदी, मुझे तो लगा सकते हो ना। तू कहाँ से छोटा है रे? है पहली बार कुछ मांगा है। प्लीज वेट महेश, नेक्स्ट तू ही लगाएगा। थैंक यू भाभी। ए इधर देख, मेरी भाभी जैसे बात करे ऐसे बात कर। हाय भाई, हाय भाभी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। इतने महंगे गिफ्ट को तुम छोटा कह रहे हो? मेरे भाई के लिए अब भगवान का दिया सबसे बड़ा गिफ्ट हो, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। साइड साइड साइड, भाभी ये मोती आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, हाँ, ये देखिए। नहीं नहीं, नहीं। भाभी ये चूड़ियां आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। भाभी ये देखिए, ये चप्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मार्केट में एकदम नई आई है, मुझे देखते ही बहुत पसंद आई, मुझे लगा ही आपको पसंद आएगी। ये वाली भी देखिए बहुत सुंदर है ना? अच्छा अभी मेहंदी लगवाना है। चला तेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाया है। ये लोग कौन है? ये मेरे पति के चचेरे भाई लगते हैं। ओहो ये लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? जाने देना, ये कुछ दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ ये बात भी तो सही कह रही है। शिवाजी। हाँ। आ रहे आ रहे, जा 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 जा। क्या हुआ दीदी? ये सब क्या है? इनसे मिले काफी दिन हो गए थे तो मैंने इनके कहा कि रुक कर ही जाना। देखो अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो ये क्राउड नहीं होना चाहिए। वो क्राउड? मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से कनाडा जा रही हूँ और जब मैं लौटू तो ये लोग नहीं होने चाहिए। तू चिंता मत कर, वैसे भी वो बाहर जा रही है, जब तक आएगी तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बस, बस वो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। हाँ चाचा जी, इसीलिए मैंने सोचा है आज रात उसे अपने पांचों भाइयों के बारे में बता दूंगा। बता दे, सब कुछ बता दे, आज ये तेरी पहली रात है और इसे यादगार बना दे। जा 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 जा, तुझे जो करना है वो कर जा। आधा पी कर दीजिए। क्यों, पूरा नहीं पी सकता? दुख सुख हमें सब कुछ बांट कर लेना चाहिए। तुम्हारी बहन ने बताया? तुम्हारी बहन का तुम पर कुछ ज्यादा ही असर है। हा? तो क्या गलत है? हाँ मेरे भाइयों का भी मुझ पर बहुत असर है। भाइयों का? भाइयों का मतलब भाई, एक लौता भाई है उसका। एक ही? हाँ, इसीलिए हम 7 लड़कों को जन्म देंगे। ओ नो, हम 2 और हमारा 1 बस। इसे अपने भाइयों के बारे में कैसे बताऊं? मैं आपके सामने बैठी हूँ फिर भी आप कुछ और सोच रहे हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं कुछ भी नहीं, बस इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई से
कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कैरेक्टर से स्टैंडर्ड पता चलता है, और मेरी नजर में आप सब में नंबर वन हो। वो पहले ही हरिश्चंद्र की जेरोक्स कॉपी है, बात शुरू करने से पहले ही बात को बिगाड़ देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा होगा मैं वहीं जाकर देख आता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है। ओ ये क्या, बेडरूम की खिड़की खुली है, कहीं शिवाजी ने बोल तो नहीं दिया। हेलो दिस इज नंदिनी। अरे बापरे नंदिनी यहाँ पर है। लड़की यहाँ पर सोई है तो ये शिवाजी कहाँ गया? Wait for me. I'm there tomorrow morning and don't take any decision before I come. Do you understand that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अरे बाप रे, सभी यहीं पर हैं। इसको तो वहाँ पर होना चाहिए था, ये कब सुधरेगा? शिवाजी सोने दो ना मंजू। मंजू नहीं, मैं चाचा हूँ। मतलब तू बात बोलकर सेटिंग करके आ गया है? शिवा, शिवा, उठ रे। क्या हुआ चाचा जी? क्या बात है? अरे नंदिनी फोन पर बात कर रही है, अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया तो पूरे घर को सर पे उठा लेगी। जा जा वहाँ पर जा। तो अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ क्या, अपने कमरे में जाकर सो जा, यहाँ पर क्यों सो रहा है? लेकिन इनको मेरे ऊपर सिर डाल के सोने की आदत है। इनके सिर की चिंता मत कर, इनका सिर मैं अपने ऊपर डलवा लूंगा। तू यहाँ से निकल जा, जल्दी जा, चल जा। मेरी बहन का ख्याल रखना शिवाजी। मंजू नहा रही है, उसके आने तक इंतजार कर लीजिए। मैं उसे बता चुका हूं। कहीं भी जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए, तुम जाओ बेटी जाओ। चलो एक बार और मिल लेते हैं। देखो बेटा गाड़ी का ऐसे चालू है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम लगेगा और फ्लाइट का भी वक्त हो गया है। मुझे लगता है मेरे जाने का टेंशन मुझसे ज्यादा आपको हो रहा है। देखो मैंने जिंदगी देखी है, एक एक पल एक एक घंटे की तरह, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। That's okay. जब तक मैं लौटूं आप उस पलटन को भेज देना, ठीक है? हाँ उनका बैग तो कब से रेडी है, जैसे तुम फ्लाइट में बैठी वो निकल गए। ओके ठीक है बाय। तुम्हारी बीवी तुम्हें बाथरूम से बुला रही है। बाथरूम से मुझे क्यों बुला रही है? सांप सीढ़ी खेलने के लिए। तू जाना रे, बाथरूम से बीवी क्यों बुलाती है, जाना भाई मेरी जा। हाँ वो हाथ पीठ तक नहीं पहुंचता। मेरी बीवी ने मुझे कभी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है साहब? ये लड़की कब से बुला रही है, ये अब तक नहीं गया। तुझे बुला रही है, अगर तू अभी नहीं अंदर गया तो दीदी कहकर चिल्ला रही है बाहर आ जाएगी। और नहीं अभी आ गया ना, उसको डांट से बुला आ जाएगी। तू जा ना, मैं इन्हें अंदर आता हूँ। जा 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 जा, तुम सब आओ ना। हेलो मंजू अंदर आई ना, नल से पानी नहीं आ रहा। राइट साइड का टैप घुमा कर देखो ना। घुमाया फिर भी नहीं आ रहा। तुमने कपड़े तो पहन रखे हैं ना? कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ नहीं पहना? ये क्या, तुमने तो कहा था कुछ नहीं पहना, टॉवल तो पहना है। आइए ना। क्या हुआ? पहले बैठो तो। अब बताओ व्हाट अ प्रॉब्लम। ये क्या, ये तो आ रहा है ना शावर। अच्छा शावर, ये खींचोगी तो आ जाएगा। मुझे बुद्धू समझा है क्या? तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। ना पानी का प्रॉब्लम था, ना आंखें जल रही थी, बुलाने का सिर्फ एक बहाना चाहिए था, समझ में आया? तुम्हारी दीदी ने बताया क्या? लड़की का वजन लड़के से 5 किलो ज्यादा है ना, बस इतनी सी बात है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चाचा जी मंजू का मूड आज बहुत अच्छा है, उसे जाकर सब कुछ बता दूँ? अगर मूड सही है तो कोई रोमांटिक बातें करना, अपने भाइयों के बारे में मत बताना। और वैसे भी लड़कियां बेडरूम और बाथरूम में ही अच्छे मूड में होती हैं, वो सब इधर नहीं होगा। तू लड़की को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जा। हाँ, मंजू ने भी बिल्कुल यही कहा था। हाँ, तो उधर जाने के बाद नाखून चबाने या सिर पे हाथ मारने के बजाय जो तू बोलने वाला है ना, मैं तैयार हूँ। ये भी तैयार है, हम भी तैयार है। लेकिन तुम लोग हमारे साथ? जहाँ पर आप वहाँ पर हम, ब्रदर्स है ना। कैसिंस, कैसिंस। ब्रदर अलग है और कजिन अलग। आपने करेक्ट बोला भाभी, मैं अकेला ही भाई का ओन ब्रदर हूँ और ये सब कजिन। मैं अकेला ही आपके साथ चलता हूँ, चलिए।
चाची जी। हाँ बेटी। मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हूँ, तो भी हमारे साथ आना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं बेटी, हम लोगों को शाम को ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग में जाना है। बेटी तुम इसके साथ चली जाओ, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। जा, 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 जी। क्या रे, तेरा कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज करना है। हम सब कजिन ब्रदर और तू अकेला होम ब्रदर। रुको, इसने कुछ नहीं किया है। अगर ये बीच में नहीं आता तो तुम सबकी बैंड बज जाती और तुम सबको रास्ते पे खड़े होकर अम्मा दे आठाना दे ऐसा करना पड़ता। लगता है दादी आ गई, वापस आ गई। परमेश्वरम आओ ना दादी, आइए। कहाँ गए वो? ये क्या है? अरे तेरी अक्ल कहाँ गई? काम तो बताओ क्या है। पहले जो रखा है आपके लिए, इधर आ। बिना मुंह धोए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कितनी बार समझाया तुझे? धोया था मैंने। कब धोया था? कल सुबह धोया था। एक अर्जेंट काम था इसलिए जल्दी चला। ये झूठ मूठ की कहानी मुझे मत सुना, मुझे अनुशासन चाहिए। हाथ अकेला बोला ना, अकेला दांत घिस। अभी तुम लोगों ने अपना दांत घिस लिया ना? बहुत अच्छे, इन बच्चों से कुछ सीख। चला अच्छी तरह से घिस। आइंदा ऐसे किया ना तो मुँह तोड़ दूंगी। बोली सर, क्या लेंगे आप? मंजू तुम्हें जो चाहिए बता दो। 7 मटन बिरयानी पार्सल, 7 चिकन रोस्ट पार्सल, तंगड़ी कबाब और 2 लेग पीस। 7 बिरयानी किसके लिए ले रहे हैं? वो मैं बताऊं? 2 हमारे लिए और 5 भीम सिंह के लिए, है ना? करेक्ट बोला तुमने, तुम जाकर लेकर आओ। जाने के बाद नाखून चबाने या सिर पे हाथ मारने के बजाय नई बात बोल देना। आप कुछ कहना चाहते हैं? मंजू वो देखो। वो सारे परिवार वाले कितने खुश लग रहे हैं ना एक साथ। परिवार मतलब एक साथ खुश रहने को ही तो कहते हैं। वो एक साथ हैं, इसका मतलब खुश हैं। हम उन्हें देखकर ये फैसला कैसे ले सकते हैं आप ही बताइए। जो लोग खुश होते हैं वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ थोड़ी नजर आते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। मेरी दीदी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? भाभी मेरी बुक्स कहाँ है? सुबह ही बैग में रख दिया है। भाभी मेरे शर्ट का बटन सिल दिया आपने। अरे ला रही हूँ। मंजू तू ध्यान से पढ़ाई कर, मैं अभी आई। भाभी मेरे शूज को पॉलिश किया। बहुत जोर से भूख लगी है। बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। भाभी डाइनिंग टेबल पर रखा है, जाओ ले लो। ला रही हूँ, जल्दी दो ना आंटी। गर्मा गर्म है, प्लेट में रख दो। तुम्हें चाहिए ना? हाँ थोड़ा सा। देती हूँ, अभी देती हूँ। बेटी नंदिनी। जी पिताजी। मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। अभी लाई। नंदिनी। हाँ आई माँ जी। मेरी टेबलेट लेके आना। बाबूजी को चाय देकर ले आती हूँ। ये लीजिए पिताजी। थैंक यू बेटा। ये खांसी तो मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ टाइम पे टैबलेट क्यों नहीं लिया? तेरी बीवी से मांगा तो था टैबलेट। नंदिनी। आई जी। माँ जी ये टैबलेट। नंदिनी माँ के मरने के बाद टैबलेट देगी? मैं बस देने ही वाली थी, तभी पिताजी ने बुला लिया। और वैसे भी सुबह से मैं कर ही रही हूँ ना। मुंह बंद कर अपना। तू क्या हम पर एहसान कर रही है? इस घर की बहू हो, घर में रहना चाहती हो तो दिन रात काम करना पड़ेगा, वरना चली जाए यहाँ से। दीदी ने माँ की तरह परवरिश की। उनका वो हाल देखने के बाद मैंने डिसाइड किया मेरा परिवार कैसा होगा। कैसा? शादी से पहले पेरेंट्स के साथ, शादी के बाद परिवार के साथ। तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी की जरूरत है? प्राइवेसी की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी परिवार में माँ बाप भाई बहन हो तो खुशी और मजा कुछ और ही होता है। तुम जो बोल रहे हो वो ओल्ड स्टोरी है, मैं जो कह रही हूँ वो न्यू स्टोरी है। फैमिली मतलब पति पत्नी, एक बच्चा, एक कार, एक छोटा सा फ्लैट। कितना अच्छा लगेगा ना, एक हैप्पी फैमिली। मुझे भी चाहिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा है।
कैसी हो बेटी? हैप्पी ना? घूमकर मजा आया? आकाश इधर। हाँ भैया। देख गाड़ी में गर्मा गर्म बिरयानी है, जाकर सबको खिला। ठीक है। कह रहे उसे रेस्टोरेंट में लेके गया ना? हाँ लेके गया। जो बोलने वाला था बोल दिया। डोसा भी खाया लेकिन सच्चाई नहीं बता पाया। असल में क्या हुआ बता ना। वही तो चाचा जी, मैं अपने भाइयों के बारे में उसे बस बताने ही वाला था कि उसने अपनी बहन की दुख भरी कहानी मुझे बताई और वो सुनने के बाद मैं अपनी कहानी उसे नहीं बता पाया। हाँ लेकिन उसकी बहन की कहानी सच में बहुत दुख भरी है चाचा जी। अरे मैंने तुझे क्या करने के लिए कहा था और तूने क्या कर दिया? मैं किसी तरह उस लड़की को अपने ट्रैक पर लाने के लिए कह रहा हूँ और तू उसके ट्रैक पर जा रहा है। ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। लगता है कुछ प्रैक्टिकल करके उस लड़की को दिखाना पड़ेगा तो शायद वो इस बात को समझ जाए। देख रहे हैं चाचा जी, मेरे भाई अपने ही घर में चोर की तरह खा रहे हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता बेटा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू उस लड़की को सब सच बताएगा और इनका कष्ट भी दूर हो जाएगा। डोंट वरी, चल चल। ज्यादा चीखेगी तो मुर्गी की तरह गला काट दूंगा। ओके? दुनिया में मुझे दो ही चीजें पसंद नहीं है, सिर्फ दो चीजें। एक है साइलेंस, दूसरा वायलेंस। तुझे क्या चाहिए तू डिसाइड कर, साइलेंस या वायलेंस। मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। तो फिर साइलेंस खड़ी रहे। कपड़े क्यों गिरा रहे हो? इन्हें सजा कर रखने में मुझे पूरा दिन लगा है। जो मुझे चाहिए वो अगर मुझे मिल गया तो सारे कपड़े सजा कर जाऊंगा, समझ गई? ए, पैसे हैं वहाँ। चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे चिल्लाने से मैं रुकने वाला हूँ, पैसों के लिए तो आया हूँ। तो क्या पूरा लेके जाओगे? चिल्ला मत, शट अप। एक कदम भी आगे बढ़ा तो काट के रख दूंगा। ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब ये तू मुझे बताएगा क्या ठीक है क्या नहीं? पहले बता तू यहाँ पर क्यों आया? पत्ते खेलने आया हूँ, घर में है तो लेकर आओ, यहाँ बैठकर खेलते हैं हम लोग। तुम्हें पता है ये किसका घर? किसी का भी हो मुझे क्या, मुझे पैसों से मतलब है। हमारे घर में चोरी करने आया, तेरी इतनी हिम्मत? चोरी के लिए हिम्मत की नहीं, चाकू की जरूरत होती है। कोई भी बीच में आया तो ये चाकू उसका काम तमाम कर देगा। मैं अपनी जान पर खेलकर भाभी की जान बचाऊंगा। तेरी भाभी की जान कैसे खतरे में आ गई? इस घर में कोई सांप घूम रहा है। सांप से बड़ा तो तू है ना? यहाँ से निकल जा वरना बहुत पड़ेगी तुझे। क्यों भौंक रहे हो कुत्ते की तरह? मैं पागल लग रहा हूँ क्या? मैं पैसे चुराने आया था, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। तेरे मन में कोई पाप नहीं था तो इतने सारे कमरे छोड़कर भाभी के कमरे में क्यों घुसा आया था? इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था। ऐसे सब मिलकर एक साथ आओगे तो मेरा क्या होगा? हिम्मत है तो एक एक करके आओ। क्या यही है वो चोर? ये तो गधे की तरह है। तुम्हारी भाभी को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं। देखो मंजू, ये लोग थे इसलिए कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे तेरे तो ये सब चिल्ला क्यों रहे? तुम्हें तो भेजा था मुझे यहाँ पर। ठीक है ज्यादा मत चिल्ला। अरे लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा है। ज्यादा दे दूंगा। ये सोचकर डर लगता है कि सिटी कल्चर में बगल के फैमिली में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। चोरी डकैती मर्डर रेप ये कुछ ज्यादा ही होने लगा है आजकल, इसलिए फैमिली में 7-8 लोग होना जरूरी है। इसलिए मेरा कहना है कि बड़ा परिवार सुरक्षित परिवार। मैं सही कह रहा हूँ ना बेटी? हाँ, तुम्हारी दीदी जाते जाते कह रही थी कि ये लोग कब जाने वाले हैं, अगर ये लोग बुरा मानकर चले गए होते तो आज तुम्हारा क्या होता? अरे बाप रे, मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। मुझे कुछ नहीं होता। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ससुर जी, अगर कोई नहीं होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसे खोल दीजिए। अरे नहीं नहीं मंजू। अरे कुछ नहीं होगा, किसी ने छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही छुड़ा लूंगा। अब तक तुमने मेरा एक ही एंगल देखा था, अब दूसरा देखोगे। तुमने मेरे अंदर के शेर को जगा दिया है।
तुम्हें कराटे भी खेलना आता है? 6 degrees ब्लैक बेल्ट। कराटे सीखना है ये ख्याल तुम्हें खुद आया या किसी ने तुम्हें बताया? वैसे भी आगे चलकर तो मुझे छोटी फैमिली में ही रहना था तो अपनी सेफ्टी खुद ही करनी थी। 14 इयर्स की उम्र से ही कराटे ज्वाइन किया। अरे बाप रे, 14 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था? छोटी उम्र से ही कितना आगे की सोचने लगी थी। कीप इट अप। इसे उठाकर थोड़ा सा पानी पिला दो वरना मर जाएगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, जिंदा हूँ। मुझे पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। पैसा? उस लड़की ने मारा इसलिए तू जिंदा बच गया। मैं मारूंगा तो जिंदा जमीन के अंदर घुस जाएगा। दे दो। चल निकल, चल निकल, चल चल निकल। हेलो, हाय मंजू। हेलो अनीता, कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, बहुत दिनों बाद कॉल किया। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, कल ताज बंजारा में मेरे पति ने छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जरूर आना है। हम जरूर आएंगे। ओके डियर, टेक केयर, बाय। ये ड्रेस इन लोगों ने कहा, इसलिए मैंने, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो मैं उतार देता हूँ। ऐसा नहीं है, ये ड्रेस बहुत अच्छा है। आज सबकी नजर तुम पर ही रहेगी। थैंक्स। बाय 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 बाय। अरे ये मैकेनिक मामा यहाँ क्या कर रहा है? सूट बूट पेज 3 गेटअप में देख कर पता नहीं चलता, बेबी का पल्लू पकड़ कर आया है। हाय मंजू, हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते, प्लीज कम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, रोटरी क्लब के एनिवर्सरी के अवसर पर सर्विस अबाउ सेल्फ अवार्ड्स इस साल A1 एड कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सुरेंद्र कुमार को दिया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। इस अवार्ड को लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, इसी महफिल में बैठा कोई और है। उनका नाम है माननीय श्री शिवाजी राव। प्लीज शिवाजी राव जी, आप यहाँ पर आइए। हाँ हाँ सर, आप ही चाहिए ना, बुला रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। He's a real VIP, क्योंकि अपना स्वार्थ ढूंढने वाली इस दुनिया में 10 रुपए पब्लिक के लिए खर्च करके 10 लाख की पब्लिसिटी करवाते हैं। ऐसे में अपना फायदा सोचे बगैर इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करने वाले हजारों में से एक कोई एक होता है, और उनमें से एक है मिस्टर शिवाजी राव। थैंक यू। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 महीने पहले हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस के आने तक की उम्मीद नहीं थी, तभी इस भले आदमी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर मुझे नई जिंदगी दी, और मैं इनका एहसान मंद हूँ। जिन्होंने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, उन्हें इस बारे में कुछ याद भी नहीं है, लेकिन मैं ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसे इंसानों को ये अवार्ड तो क्या, इससे बड़े बड़े नामी अवार्ड दिए जाएं तो भी कम है। सर प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप भी 2 शब्द कहें। सर, प्लीज कहिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आया तो देखता हूँ मेरी तारीफ में इतने बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी जरूरतमंद की मदद करना तो हम सबका फर्ज है। अगर एक कौवे को चोट लग जाए तो 100 कौवे आते हैं उसकी मदद के लिए, लेकिन हम सब तो फिर भी इंसान है। अगर किसी इंसान को चोट लग जाए और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो हम सब क्या करते हैं? कोई बहाना बना लेते हैं, पुलिस आएगी, कोर्ट केस होगा कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन अगर हम अच्छाई करते हैं तो कोई कोर्ट केस या पुलिस हमारे साथ गलत नहीं करेगी। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि इंसानों में मानवता की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही मानता हूँ, मगर ये लोग न जाने मुझे VIP और बड़ा आदमी क्या क्या कह रहे हैं। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। थैंक यू। अगर ऐसी पोज में पुलिस ने देख लिया तो हम पर केस दर्ज हो जाएगा। अपने पति के कंधे पर सो रही हूँ तो पुलिस को क्या तकलीफ है? उल्टा मैं उन पर केस कर दूंगी। ओ अच्छा, वैसे क्या बात है, आज अचानक अपने पति पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये कोई अचानक होने वाला प्यार नहीं है,
जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मेरे दिल में प्यार का तीर चुभा था और वो तीर अब तक मुझे मीठा दर्द दे रहा है। आज तो बिल्कुल नए रूप में दिख रही हो। नाइट ड्राइव बहुत अच्छी है और इस खुशी को मिस करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पूरी रात हम सिटी में घूमेंगे। ओके। किसी किसी ले तू सोचे है क्या तू, रुत में है जादू, मैं भी जो बाहों बाहों में आ तू, मेरी आंखों में है ख्वाब तेरे, तेरी खुशबू बदन में है, मेरे होठों पे नगमे है तेरे, सर गम धड़कन में है, दिल और जान तुझे पे फिदा जो है मेरा सब है तेरा। किसी किसी ले तू किसी किसी दे तू सोचे है क्या तू, रुत में है जादू, मैं भी जो बाहों बाहों में आ तू। तुझको पी लूं, तेरे लब को लबों से छू लूं, जरा मर के मेरे हमदम थोड़ा सा जी लूं। हाले दिल बोली, दिल में आ जा दिल दारा। महकी महकी है सांसें, महका महका जग सारा। जो है मेरा सब है तेरा। किसी किसी ले तू सोचे है क्या तू, रुत में है जादू, मैं भी जो बाहों बाहों में आ तू। किसी किसी अरे कहाँ रह गया इसका घर है? 7 जन्म गुजरने के बबाद भी ये 7 चड्डी बनियन एक ही साथ सुखाने की आदत हमारे घर की हो सकती है। मुझे लगता है बगल में बदबू रखकर पूरे शहर में खुशबू मारता हुआ घूम रहा था मैं। ए महेश। अरे बाप रे, लिंगम मामा मर गए। अरे मुलाया तो भाग कर क्यों जा रहा है कथा? शरीर बढ़ गया लेकिन दिमाग छोटा ही रह गया है। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? इंटर द ड्रैगन, ड्रैगन एंटरिंग, मतलब लिंगम मामा ऑन द वे है। मामा अरे तो खुश होना चाहिए, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? पागल जैसी बात मत करो, भाभी यहाँ है और मामा जी का बड़ा मुंह है,
एक गांव में सात भाई रहते थे, ट्रिंग ट्रिंग करके सारी कहानी बता देंगे, घर में युद्ध शुरू हो जाएगा। अरे शिवाजी बाहर कितनी धूप है। कैसे हो मामा जी, ठीक हो ना? अच्छा हूँ, तो क्या तू मेरी किडनी बेच देगा? अब ये क्या मामा जी, ऐसे क्यों आग मार रहे हो? मैं सबको नहीं बता सकता, मैंने अपने गांव में मधुमक्खी पकड़ने वाले को बता दिया, जाकर पूछ लो। सफर कैसा रहा मामा जी? सिटी में आने तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते बहुत तकलीफ हो गई। 7 घंटे लगे मुझे ढूंढने में। सुनी जी, ये कौन है? हमारे कोटिलिंग मामा जी है, दूर के रिश्तेदार है। नमस्ते जी। हमारी शादी के वक्त इनकी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए नहीं आ पाए। अभी हमें देखने के लिए आए हैं शायद। मामा जी आने से पहले फोन तो कर लेते हैं। मेरी गलती हो गई, ठीक है मैं जाता हूँ, गांव जाकर फोन करता हूँ और फोन करके फिर परसों तक आ जाता हूँ। यही सही रहेगा, आते समय वो मधुमक्खी वाले को भी साथ लेते आना। हाँ, उसको भी लेकर आऊंगा। 2 दिन बाद मेरे पिता का श्राद्ध है, तो पिंड का खाना भी लेकर आऊंगा। कुछ सामान बचाओ तो वो भी लेकर आना। मुंह बंद कर। ये क्या है महेश, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? आइए मामा जी, हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। अब इसकी सुनो, हाथ पैर धोकर क्या करना है, खाना तो मुंह से खाना है, और वैसे मैंने सवेरे ही मुंह हाथ धो लिए थे। सिर्फ पानी से काम चलाने की सोच रहे हो? मैंने सोचा था कि धूप से चलकर आया हूँ, नारियल पानी शरबत वगैरह पूछोगे। दोनों ही चीजों में पानी होता है ना, इसलिए पानी दिया, अगर ये भी नहीं चाहिए। अरे रहने दे, इसी को पीकर मरता हूँ। अरे शिवाजी, तुम्हारे इन भाइयों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ये मामा तो मरवाएगा। इस बारे में इनको कैसे पता रहेगा, उनसे ही पूछिए ना। सही कह रही हो, जो खुद ही ना पढ़ा हो उसे बड़ी बड़ी पढ़ाई के बारे में क्या मालूम होगा। अगर इनके माता पिता होते तो आज ये भी पढ़ लिख के बड़े अफसर बन गए होते। अब क्या कर सकते हैं, नसीब में जो लिखा होगा वही होता है ना। वैसे भी पढ़ाई नहीं की इसलिए क्या हुआ, दिमाग से तो तेज है ना, काम इसका और नाम इन छो का। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इनका तो एक ही भाई है। क्या? बेशक तुम्हें छोटे भाई से ज्यादा लगाव है, लेकिन इस वजह से तुम इन 5 भाइयों को अपने से अलग नहीं कर सकते। चलो मामा जी को कॉफी नहीं। कॉफी की जरूरत नहीं है, दाल चावल हो तो वही दे देना, उसी से काम चला लूंगा। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके चचेरे भाइयों को आपके भाई क्यों बता रहे हैं? अरे तुम्हारी दीदी की तरह इनकी भी एक बहुत लंबी दुख भरी कहानी। तो छोटा करके बताइए ना। ओके, लिंगम कोटी मामा के 7 भाई थे, सारे गंगा स्नान करने के लिए गए थे, तो सारे के सारे गंगा में बह गए, और तब से ये बात उनके दिमाग में जाकर बैठ गई है। इसीलिए वो जो भी बात करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, कभी कभी दिमाग खराब हो जाए तो काटने भी दौड़ते हैं। ऐसा क्या? मैं उन्हें किसी तरह समझाकर घर वापस भेज दूंगा, लेकिन तुम उनकी किसी भी बात का यकीन मत करना। ओके, अब ये काम करो, उनके लिए खाने के लिए कुछ जल्दी बनाओ। ए महेश, जरा कम खाया कर, देख कितना मोटा हो गया है। लीजिए मामा जी। इतना घुमा फिरा के मेरी मिठाई मुझे ही खिला रही हो। वैसे बहू, तुम्हारा परिवार भी हमारे परिवार जैसा बड़ा है क्या? मेरे परिवार में मैं और मेरी दीदी हैं। इसका मतलब तुम तो अनाथ हो। खैर जाने दो, लेकिन अभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें 6 देवर दिए। अरे कौन है, चिमटी काटे जा रहा है। हाँ, ऊपर वाला दुख देता है तो फिर साथ साथ सुख भी देता है। क्या कह रही है? एक साथ 6 लोगों को भुला पाना कोई आसान बात तो नहीं होती ना, मैं समझ सकती हूँ शिवाजी। इसलिए हर इंसान को पानी में तैरना आना ही चाहिए। अरे ये बैंकी बैंकी बातें क्यों कर रही थी, क्या इसके 6 भाई पानी में डूब कर मर गए थे क्या? ये एक अलग स्टोरी है मामा जी, कुछ दिन पहले इसका स्विमिंग पूल के पास पैर फिसल गया, चोट लगने की वजह से छोटे दिमाग में पानी चला गया, तब से ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा हुआ पानी बड़े दिमाग में नहीं चला गया। अब ये जब भी किसी नए आदमी को देखती है तो जबरदस्ती उसे स्विमिंग सिखाती है और पानी में धकेल देती है। तैरना आता है ना मामा जी? मुझे तैरना नहीं लेकिन भागना आता है। बहुत ही मामा, मंजू से थोड़ा बचकर ही रहना होगा, नहीं तो वो आपको ले जाकर पानी में धकेल देगी। अरे बाप रे, नहीं। चलो जल्दी सब लोग, पूरा घर छान मारो, जल्दी जाओ। ए, जाकर हर एक रूम में देखो। कौन है आप लोग?
कौन है आप लोग? बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? हम टास्क फोर्स पुलिस से हैं। हमें परमिशन की जरूरत नहीं। यहाँ भार्गव कौन है? मैं हूँ। इज्जत से बात करो। इज्जत से बात करूँ? हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाई ने क्या किया? कॉलेज में मुमताज नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। उसने मना किया तो उसके चेहरे पे एसिड फेंकने की धमकी दे रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। हर गुनहगार यही कहता है। भैया भार्गव को पुलिस ले जा रही है। भैया हाथ उठाए तो भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। शादी में आए अपने चाचे के बेटों के लिए आप पुलिस से पंगा ले रहे हैं। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो क्या ये लोग आपको बचाने के लिए आएंगे? शादी में आए थे और बेशर्मों की तरह 10 दिन से हमारे घर में ही पड़े हैं और आप इनके लिए किसे बेशर्म कहा? किसे बेशर्म कहा इन लोगों को? ये मेरे भाई हैं, ये सब के सब मेरे भाई हैं। खून का रिश्ता है मेरा इनके साथ। सिर्फ ये अकेला नहीं, ये 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 भी, ये सब के सब मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई। ये 6 के 6 आपके सगे भाई हैं? हाँ, अपने ही घर में परायों की तरह रह रहे हैं सारे। हर पल नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब है मेरी दीदी और मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी। एक ही माँ से पैदा हुए 6 भाइयों को जो अपने चाचा का बेटा बता सकता है, वो क्या तुमसे झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता? ए, इस परिवार की सच्चाई बाहर निकालने के लिए मैंने ये ड्रामा किया था। आउट। परसों रोटरी क्लब में सिस्टर को बात करते हुए सुना। कैसी है मैरिड लाइफ? सब ठीक है ना? I'm so happy. जैसा सोचा था वैसा ही पाया, एक वो और उनका इकलौता भाई। सिस्टर अपनी सहेली से बात कर रही थी कि इनके हस्बैंड का एक ही भाई है। हकीकत तो मुझे पता थी, तुमने शादी में नहीं बुलाया, मैं नहीं आया। अगर आता तो तभी ये गिफ्ट दे देता, पर कोई बात नहीं। कैसा लगा गिफ्ट? मंजू, मंजू मेरी बात तो सुनो, जल्दबाजी में फैसला मत करो। एक बार मेरी बात सुनो मंजू, उसके बाद में। अब सुनने को बचा ही क्या है, मैं जा रही हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो कैन आई ड्रॉप यू होम? हाँ।
ने साबित कर दिया कि तुम मेरा घास खाएगी तो बछड़ा भी घास खाएगा ना सर। भाइयों को अलग किया होता तो वो कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते, लेकिन तुमने पति पत्नी को ही अलग कर दिया। ग्रेट। इस तरह राम और सीता को अलग करने की वजह से रावण का वध कर दिया गया। ये लाइन तुम्हें अभी पढ़नी थी। आकाशवाणी जरूरत पड़ने पर ही सुनाई देती है सर। तू तेरी वाणी बंद कर, गुस्सा जरा कम कर। ऐसा मैंने तुझे कितनी बार समझाया पर तू समझता ही नहीं। कभी कभी बादल गरजता है तो बारिश होने से रुक जाती है, लेकिन एक बार तेरा गुस्सा शुरू हो गया तो तेरा हाथ रुकता ही नहीं। उसे यहाँ आकर 4 दिन नहीं हुए और अपने मायके चली गई। हमने उसे मनाने की कितनी कोशिश की फिर भी वो चली गई ना। सच पता चलने के बाद उसे तो जाना ही था, नहीं तो क्या रुकती वो। लेकिन सच को कितने दिन छुपा सकते हैं। हाँ ये बात सच है, माना कि सच को छुपाना हमारी गलती थी, लेकिन बाहर तुम्हें उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। अगर मेरे भाइयों पर कोई मुसीबत आती है तो बीवी दुनियादारी मेरी समझ में नहीं आती। जो हो गया उसके बारे में सोचकर क्या होने वाला है, अब आगे क्या करना है। इसने उसका दिल दुखाया है तो उसको मनाकर घर वापस लाना भी इसकी जिम्मेदारी है, और ये जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। बीच सड़क पर किसी को मारना पीटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी से माफी मांगना उसे मनाना बहुत बड़ी बात है। भैया आप जाओ ना, वो गुस्से में गई हैं। आप जाओगे तो जरूर मान जाएगी। हाँ भैया, आपके अलावा भाभी को कोई नहीं समझा सकता, सच कह रहा हूँ। अरे झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, लेकिन झगड़े की वजह से जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू जा उसको मना। मंजू चलो घर चलते हैं। क्यों वापस जाएगी? फिर से 4 लोगों के बीच मार खाने के लिए जाएगी या फिर तुम्हारे हाथों धोखा खाने? मैंने जो किया गलत था, लेकिन मेरी बीवी मुझे माफ करेगी। अनजाने में हुई गलती को कोई भी माफ कर सकता है, लेकिन जानबूझकर दिए गए धोखे को कोई माफ नहीं कर सकता। धोखा देना ना ही मेरी आदत है ना ही मेरी फितरत। मैं मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचा हूं। मंजू मुझे पसंद थी, मगर आपकी शर्त ने हमें झूठ बोलने पर मजबूर किया। सच्चाई बताने के लिए मंजू को मैंने बुद्ध प्रतिमा के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मंजू को देखते ही मैं अपने आप को भूल गया। किसी लड़की को धोखा देने का मतलब है उसे इस्तेमाल करके छोड़ देना। जिससे प्यार किया उसी से मैंने शादी की, इसका मतलब अगले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है मैंने। तो फिर आप ही बताइए ये धोखा कैसे हुआ? लॉयर से मिलकर आ रहे हो, बहुत लॉजिकली बात कर रहे हो। सच्चे प्यार के लिए मैंने अपने उसूलों से समझौता किया। मंजू मैंने तुमसे झूठ कहा यह सच है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं यह भी सच है। मेरे भाई मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, उसी तरह तुम भी मेरे लिए प्यारी हो। मंजू तुमने अपनी बहन की छत्रछाया में रहकर दुख को महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने उसी दुख को सीढ़ियां बनाकर यहां तक सफर किया। जिंदगी में हम जो नहीं सोचते वही हमारे साथ होता है, लेकिन इस तरह की बातों को दिमाग में रखकर परिवार खड़ा नहीं होता। जो हुआ उसे भूलकर मेरे साथ चलो मंजू, प्लीज चलो घर चलें। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आप चाहती हैं आपकी बहन जिंदगी भर आपके साथ रहे? कौन सी बहन ऐसा चाहेगी? मैं इसे तुम्हारे साथ भेज सकती हूँ, लेकिन वन कंडीशन। कौन सी? जिस झूठ को बोलकर तुमने मेरी बहन से शादी की है उस झूठ को तुम्हें सच करना होगा। समझ में नहीं आया? तुमने कहा था तुम्हारा एक ही भाई है, तो उसी एक भाई को अपने साथ रखो तो ही मेरी बहन तुम्हारे साथ जाएगी। तो मेरे बाकी के भाई? सिटी में बहुत बॉयज हॉस्टल्स हैं, इतने अनाथ आश्रम हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। मिसेस नंदिनी, संस्कार को भूल कर बात कर रही हैं। अपनी खुद की समस्याएं सुलझाने के बजाय अपने पति का घर छोड़कर आई और अपनी जिंदगी की तरह अपनी बहन की जिंदगी बनाना चाहती हैं। हाँ उस परिवार में तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा हर परिवार में हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। परिवार का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी मिलकर हर वक्त एंजॉय करते रहे। दादा दादी नाना नानी माँ बाप भाई बहन चाचा चाची बच्चे जब एक घर में मिलकर निस्वार्थ एक दूसरे के लिए जीते हैं तो परिवार बनता है। और आज भी दुनिया में ऐसे परिवार हैं जिन लोगों की वजह से संस्कार और समाज आज भी बने हुए हैं, वरना इस दुनिया से पति और पत्नी का संबंध कब का खत्म हो चुका होता। वरना बेमतलब के रिश्ते, नाजायज औलादें, लावारिस लाशें, इन सबसे समाज भर गया होता। मंजू ठंडे दिमाग से सोचो कि अपने पति की बात मानकर अपना घर संसार बचाओगी या फिर अपनी दीदी की बात मानकर जिंदगी भर यहीं रहोगी। लेकिन ये समझ लो कि मैं अपनी बीवी के लिए अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। हाँ अगर कभी हालात ऐसे हुए कि किसी की बातों में आकर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ,
जब तुम्हारा मन बदल जाए तो उस घर में चली आना, मगर तुम्हें लेने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। भाभी कहाँ है भैया? भाभी पीछे से आ रही है। बड़ी भाभी के साथ आ रही है क्या? मुझे गिल्टी फील हो रहा है क्या? कहिए ना भैया, अगर ऐसा है तो करके। ए, आज के बाद इस घर में भाभी का जिक्र कोई नहीं करेगा। बीती रात का सपना था जो टूट गया। लेकिन भैया। ए, बोला ना बात नहीं करना। अरे बोल तो क्या हुआ? चाचा जी, फसल कैसे उगानी चाहिए और उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये बात किसी को समझा सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जिंदगी कैसे बिताई जाए मैं ये किसी को नहीं सिखा सकता। भैया ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं ही जाकर उनके पैर पकड़ कर लाता हूँ। जब उस औरत को उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा तो पैरों में पड़े हुए तुम्हारे आंसू क्या खाक नजर आएंगे? मतलब भाभी कभी इस घर में नहीं आएगी? सुबह का सूरज कब उगने वाला है ये हम कह सकते हैं, शाम का सूरज कब ढलने वाला है ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो एक भूचाल छोड़ गई है वो कब आएगी ये कहना मेरे लिए इस वक्त नामुमकिन है। जो भी हुआ उसे भूलकर तुम सब अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तू ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इतने अच्छे पति को ऐसे छोड़ सकता है? भाइयों के साथ मिलकर रहना कौन सा गुनाह है? मैंने अपनी बहन की तकलीफ महसूस की है, इन हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। वो तकलीफ मैं दोबारा नहीं देख सकती। मेरी दीदी सही है ये नहीं कहती, लेकिन वो तकलीफ मैं नहीं सह सकती। एक फैमिली मतलब मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा। भाई मेरी बीवी मायके चली गई। हाँ उसने शादी के बाद ये काम 72 बार किया है। क्यों रे, तुझे इस बात का दुख नहीं? पता नहीं, उसे फोन करके पूछ लूँ क्या? नहीं यार, लेकिन पति पत्नी हमेशा एक साथ ही रहने चाहिए, वरना समाज के सामने जिंदगी मजाक बन जाती है और ये बात समझने के लिए बहुत देर हो जाती है। भाई ये लेक्चर आप रोज हमें सुनाते हो, आज थोड़ी चढ़ाते हैं ना? अरे नहीं, भाभी चिल्लाएगी इसलिए ना? नहीं रे, भाभी तो मायके गई है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा तो आप इसीलिए डल हो क्या? भाई 2 मैरिड बैचलर्स 1 फुल बॉटल, चलो ना पार्टी करते हैं। चाहिए तो बाजू में अपनी रेशमा और शीला भी। अबे भाई रामायण के राम है। अरे मुझे क्या मालूम, बात करता है अकल का दुश्मन। भाई 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 साईं बाबा तुम ही बोलो, देवी मंदिर के बिना क्या है बोलो। साईं बाबा तुम ही बोलो, देवी मंदिर के बिना क्या है बोलो। विष्णु जी तुम ही बोलो, जा भला तन के बिना क्या है बोलो। कोयल भी कूक बिना क्या है तुम बोलो, चांद भी रात बिना क्या है तुम बोलो। मंजू 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 मंजू, इस दिल की पुकार सुन ले मेरी मंजू। अरे मंजू 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 मंजू, क्या चाहती है मैं रोते रोते जीऊं। साईं बाबा तुम ही बोलो, देवी मंदिर के बिना क्या है बोलो। बाबा
विचार, बातों ही बातों में कर बैठा प्यार। प्यार में ये शर्त कैसी जो मुझसे कह बैठी, तोड़ू बाकी रिश्ते इन्हीं हाथों से। ए होता नहीं प्यार में कभी ऐसा कोई सौदा, जोड़ने के बदले में कोई तोड़े ना रिश्ता। अरे पाने एक हसीना को मैं छोड़ू क्यों सबको, हाँ चांद की आस में क्यों छोड़ू धरती को। मदहोश प्यार तेरा किया क्या हाल मेरा, छोड़ दे जिद तेरी आजा फिर से लौट के। तू मंजो 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 मंजो, इस दिल की पुकार सुन ले मेरी मंजो। अरे मंजो 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 मंजो, क्या चाहती है मैं रोते रोते जियो। साईं बाबा तुम ही बोलो, देवी मंदिर के बिना क्या है बोलो। विष्णु जी तुम ही बोलो, जा भला तन के बिना क्या है बोलो। बोलो ना बाबा। मन से चाहूं तुझको, दिल तो ये कब से है तेरा दीवाना। और लग जा गले अब तू ना तड़पा मुझको, तू आ जा जाने जा तू छोड़ बहाना। हे गिले शिकवे भूल जा तू पढ़ू तेरे पैर, कर दे अब तू माफ मुझे रखना कोई बैर। रूठेंगे ना दोनों आजा मिल के रहेंगे, जी भर के हम दोनों प्यार करेंगे। महलों की चार दीवार जाने कहाँ क्या है प्यार, रस्मों को करके पार आजा फिर से लौट के। तू मंजो 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 मंजो, इस दिल की पुकार सुन ले मेरी मंजो। अरे मंजो 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 मंजो, क्या चाहती है मैं रोते रोते जियो। मंजू 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 मंजू, क्या चाहती है मैं रोते रोते जियो। भैया को क्या हो गया? लेकिन भैया ने तो आराम से। मुझे छोड़कर मत जाओ मंजू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुक जाओ मंजू। उधर नहीं, इधर। पहले असली भाई फिर भाड़े के भाई, क्यों में क्यों खड़े हो, क्या बात है? देखिए हमारे भाई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम अपने भाई को तड़पता नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ आए हैं। क्या कहा? झूठ बोलना तुम्हारी नजर में गलत नहीं है? चाचा जी ने ये सारा झूठ भाई की शादी करवाने के लिए कहा था, और उस झूठ की कीमत मेरी बहन की पूरी जिंदगी। लेकिन चाचा की गलती की सजा आप मेरे भाई को क्यों दे रही है? रुको भाभी, सुनो तो भाभी, भैया जाग जाग कर पूरी रात गुजार रहे हैं। प्लीज घर चलिए ना भाभी, प्लीज घर चलिए। इधर आओ। मैंने एक कंडीशन रखी थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं? कौन सी कंडीशन? अगर मेरी बहन को उस घर में देखना चाहते हो तो उसके साथ सिर्फ तुम रहोगे। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम आपसे भैया के बिना कैसे जिएंगे? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आप जो कहेंगी हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे हीरे जैसे भाई से हमें अलग मत कीजिए, प्लीज। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, हीरा कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके साथ तांबा पीतल कचरा इन सब चीजों के लिए मैं मना कर रही हूँ। और दोबारा बेवजह की बातों को लेकर इस घर में कभी मत आना। ले लो सुखा बेल सुखा बेल सुखा बेल गीला बेल सुखा बेल, वेफर वेफर भी है। भूख लगी है? आप कह रहे हो कि भूख लगी है क्या? अगर यही भैया होते तो एक पैकेट दिलाते और कहते ले बेटा खा ले।
तेरे भाई से भी अच्छा बोल सकता हूँ। बोलो क्या? हाँ, बोलो। मुझे खा ले। आपने अपनी आंखों से मेरे भाई और भाभी को मिलते हुए देखा था और आज उनको अलग होते हुए भी देख रहे हो। तुम भी अच्छे इंसान को पूछ रहे हो जो खुद अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपने संसार को छोड़कर सन्यासी बन गया। वो तुम्हारे भाई के संसार के बारे में क्या सलाह दे सकता है? इस गुत्थी को हमें ही सुलझाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? हमारे जाने के बाद भाभी इस घर में आएगी तो हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। कैसी बात कर रहा है तू? भैया को देखे बिना एक दिन भी नहीं जी सकते हम लोग। 16 साल से भाई सिर्फ हमारे लिए जी रहे हैं। उन्होंने कब खाया कब सोए कुछ पता नहीं, लेकिन कम से कम अब वो खुश रहे, इसलिए हमें उनकी जिंदगी से अलग होना पड़ेगा। तुम लोग चले जाओगे तो क्या खामोश बैठेगा? पागलों की तरह एक ही गली छान मारेगा, तुम्हें ढूंढता बैठेगा। एक झूठ बोलकर भैया की शादी करवा दी, एक और झूठ बोलकर हमें उनसे अलग करवा दीजिए चाचा जी। मैंने हमेशा मिलाने के लिए झूठ बोला है, कभी किसी को अलग कराने के लिए झूठ नहीं बोला। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। चलो भैया। भैया, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं रे, ये प्याज काट रहा हूँ ना इसलिए। ये सब आप क्यों कर रहे भैया? तुम्हारी भाभी ने घर का खाना खाने की आदत डाल दी। अरे तू रुक ना, बस 15 मिनट इंतजार कर, ऐसा खाना बनाऊंगा कि सारे के सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उसको तो वैसे भी होटल का खाना खाना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे वो IAS ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तुमने उसे बताया नहीं क्या? वही तो बताने आया था भैया। ट्रेनिंग कहाँ? दिल्ली में है। बस 2-3 दिन की बात होगी ना? नहीं नहीं, कम से कम 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है भैया। तो फिर तूने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे? आप इन सब में भूल गए हो कि पैसा आपने मुझे पहले ही दे दिया था और मैंने भर भी दिया है। अच्छा, तुझे छोड़कर 2-3 महीने रहने पड़ेंगे। अरे भार्गव, क्या हुआ? सब लोग यहाँ आओ। तुम लोगों ने सुना, ये हमें छोड़कर 2-3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, इसके बिना अकेले रहना पड़ेगा। क्या तुम लोग रह सकते हो इसके बगैर? लेकिन वो IAS ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। IAS ऑफिसर बनकर मामा जी के सामने खड़ा होकर अपने घर का नाम रोशन करेगा। हमारा भाई कलेक्टर है, ऐसा विक्रम को डायरेक्ट दिखा सकते हैं भैया। अरे मैंने अपने लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, बस तुम्हारे लिए सपने देखता रहा। अब वो सपने पूरे हो रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। सिर्फ 2 महीने की बात है ना। वक्त पे खाना खा लेना और अपनी तबीयत का ख्याल रखना। चलता हूँ भैया। उड़ीसा में मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स का कैंप लगने वाला है और अपने राष्ट्र में से। अरे भार्गव, क्या हुआ चाचा जी? उड़ीसा में तुम्हारे कॉलेज के साथ साथ और 4 कॉलेज का कैंप लगने वाला है, मेडिकल कैंप है। लेकिन मैं इस कैंप के लिए नहीं जाना चाहता। तुम्हें अकल है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम, नहीं जाओगे मतलब? क्या बात है चाचा जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? तू कब आया, गाड़ी की आवाज भी नहीं आई। देखो इसको देखो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके सारे फ्रेंड्स उड़ीसा में मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं और मैंने पूछा तू क्यों नहीं जा रहा है, तो कुछ भी नहीं बोल रहा। बस इतनी सी बात है? क्यों रे भार्गव, क्यों नहीं जा रहा? वो क्या है ना, आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर प्रकाश भी तेरे तेरे सोचता तो क्या वो जा पाता? वो तुम्हारा ही भाई है ना, क्या वो अपने भाई से प्यार नहीं करता? ऐसा नहीं चाचा जी, वो भी जाएगा मैं भी। वो कलेक्टर बनने के लिए गया है, तू डॉक्टर बनने के लिए जाएगा। चाचा जी कैंप पूरा 1 महीने का है। 1 महीना क्यों, सुबह ही दीवार फांद के चले आना वहाँ से। 1 मिनट चाचा जी, अरे 1 महीने की तो बात है ना। अरे तू तो प्रकाश के आने से पहले ही लौट आएगा। चाचा जी ये थोड़ा शर्माता है, आप इसे महीने भर का खर्चा देकर ही भेज दीजिए। अरे महेश जरा इसका सूटकेस तैयार कर, तैयार कर लिया है तो लेकर आना। रुक रुक रुक, ये डाल दे। ये क्या भैया, आप ही जाने के लिए कह रहे हो और आप ही उदास हो? बिना तुझे छोड़कर ठीक है रह लूंगा, तू बस अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। चलता हूँ, बाय। अरे रुक तो, नहीं भैया चाचा जी ने दिए। तू रखना, तेरे खर्चे के लिए काम आ जाएगी। चलता हूँ। मंजू, वहां नहीं यहाँ। हाँ?
दीदी घर पर नहीं है। पता है, इसीलिए तो आया हूँ। छोड़ो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। रह नहीं पाता हूँ तुम्हारे बिना, यही बताने के लिए आया। दीदी के आने का वक्त हो गया है, आने दो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, छोड़ो ना मुझे। मंजू, ये सब क्या है? नई एल्बम में लगाना था इसलिए। तेरे नए एल्बम में मेरे लिए जगह नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मेरा तो एक भी फोटो नहीं है। तुम्हारे साथ जो निकाला था वो भी नहीं है, सब तेरा और तेरे पति का ही है। अरे राजेश। हाँ भैया। चेन्नई में म्यूजिक कंपटीशन है क्या? जानता हूँ भैया। फर्स्ट प्राइस 10 लाख रुपए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे भैया जब जाना ही नहीं था तो बता के क्या फायदा? इतना बड़ा कंपटीशन और तुम जाना नहीं चाहते? ऑलरेडी प्रकाश और भार्गव घर छोड़कर जा चुके हैं। भाई को छोड़कर कैसे जाएं ये सोचकर रुक गए थे। जाने देना, घर में कुछ ना कुछ बजाते रहना। तुम्हारा सपना पूरा करना जरूरी है या यहाँ रहना जरूरी है? लेकिन भैया ये कॉम्पिटिशन एक दिन में खत्म नहीं होने वाला। फर्स्ट रिहर्सल होता है, सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। ये सारे राउंड खत्म होने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। तुम्हें मैं गधा दिख रहा हूँ क्या? तुम्हें लगता है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है हा? या तुम लोगों को लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं? अरे संगीत के बारे में जानने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होती। तुम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिलेगा या नहीं ये बात मैं अभी इसी वक्त बता सकता हूँ। हर किसी को लगे कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, ऐसा हंसी खुशी वाला गाना गाकर सुनाओ। ठीक है भैया। रोशन है सूरज सा, प्यारा है चंदा सा, रोशन है सूरज सा, प्यारा है चंदा सा, प्यार की वो मूरत है, भोली उनकी सूरत है, पास उनको पाकर ही हम भूले सारे गम, भाई वो हमारे हैं उनके प्यारे हम। रोशन है सूरज सा, प्यारा है चंदा सा, है उस ऊपर वाले की किस्मत से पाया हमने ऐसा भाई, कोई गम हो या मुश्किल हो करते हैं वो पल में दूर, हर पल है वो दिल में बसे हैं वो आंखों के नूर, बिन बोले वो सह लेते हैं जितने भी हैं दर्द अपने, हंसते हंसते करते हैं वो पूरे हमारे हर सपने, भाई वो हमारे हैं उनके प्यारे हम। रोशन है सूरज सा, प्यारा है चंदा सा, प्यार की वो मूरत है, भोली उनकी सूरत है, पास उनको पाकर ही हम भूले सारे गम, भाई वो हमारे हैं उनके प्यारे हम। क्या गाना था, बहुत अच्छा, सुपर, दिल खुश हो गया। तुम लोग बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे। एक बार और गाओ ना भैया। एक बार और भैया, इसी गाने को हम लोग दूसरे तरीके से भी गा सकते हैं। दूसरे तरीके से? हाँ। सबसे बड़ी बात है, राग चेंज करो म्यूजिक अच्छा, बदल जाता है। संजोए थे सपने जो हमने इन आँखों में, छोड़ चले उनको हम किस्मत के हाथों में, था मुगली जिनकी हम चलना सीखे थे, अपनों से दूर होके अब
तन्हा वो तड़पेंगे। बंद करो, बंद कर। अरे ऐसा गाना और ऐसा राग मुझे नहीं चाहिए। वो जो पहले वाला गाना था ना, उसी तरह खुशी के गाने गाते रहना। मन को दुख देने वाला गाना कभी मत गाना। पैसा नहीं आएगा तो भी चलेगा। मैंने सोचा तुम्हें कुछ नहीं आता, मगर मैं गलत था। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। चलो, भूलेंगे ना हम जीवन भर, प्यार भरा ये कर्ज तेरा। भर लेंगे हम सीने में आंसू और दर्द तेरा। दूर हम करेंगे होंगे जो भी तेरे गम। भाई है हमारा तू है तेरे प्यारे हम। अरे आकाश मेरी बात सुन, अगर तूने ये चांस मिस किया तो दोबारा तेरा नंबर नहीं आने वाला। नहीं आएगा तो भी चलेगा। क्या हुआ, क्या बात है? मैं नहीं बताऊंगा, तू मुझ पर चिल्लाएगा। मैंने आज तक आप पर कभी गुस्सा किया है? मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेटर आकर एक महीना हो गया है। कल परसों उसका लास्ट डेट भी है। मिलिट्री लास्ट डेट? क्या कह रहे हैं? अभी पकड़ लिया ना, अब बता तू। कुछ नहीं भैया, वो लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पर जाने वाले हैं, और मैं पढ़ाई में हमेशा कमजोर था। सोचा कभी आपका नाम नहीं रोशन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा है। अरे आकाश, तू कभी पढ़ाई में अपने आप को कमजोर मत समझ। और मिलिट्री में जाना क्या गलत है? मैं तो समझता हूँ जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सब मिलिट्री में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और मेरा भाई, वो भी मिलिट्री में जाएगा, इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अब तक तो चार भाई छोड़कर गए हैं, मैं भाई को छोड़कर कैसे जाऊँ, ये जिद पकड़ कर बैठा है। ये भी तो सच है ना चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सारे भाई एक साथ चले गए इस बात का दुख भी है। और वैसे भी ये तेरे भविष्य के लिए है। मैं चाहता हूँ तू एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, मुझे विश्वास है तू कामयाब होगा। तैयारी कर। ये क्या बच्चों की तरह रो रहा है, मिलिट्री के लिए जा रहा है ना, हिम्मत से काम ले। भैया, ये क्या कर रहा है? जा संभल कर जा। भैया जब से मैंने होश संभाला है कभी आपसे अलग नहीं रहा हूँ मैं। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कह रहा है तू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। ये तो बचपन से ही ऐसा है चाचा जी, प्यार को भी रोक नहीं सकता और अपने आंसुओं को भी रोक नहीं सकता। जब इसे पहली बार स्कूल ले गया था तब भी ऐसा ही था, रोते हुए आया और मेरे गले लग गया। अभी बहुत दूर जा रहा है ना, तो मैं इससे दूर ना हो जाऊं इसलिए रो रहा है। बहुत प्यार करता है ना मुझसे। ए, तुझे कुछ नहीं होगा, तू कर दिखाएगा, मुझे विश्वास है, हिम्मत से काम लेना। ठीक है, जा, गुड। क्या रे, तू हमेशा बोलता था ना कि तू भाई का इकलौता भाई है, अब तो तू सच में इकलौता ही रह गया। ऐसा मत बोलो भैया, मैं तो मजाक में बोला करता था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सच होगा भैया। मैं अकेला पड़ जाऊंगा भैया, मुझे अपने साथ ले नहीं, चलो। तुम्हें भाई के साथ रहना ही होगा भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। क्या हुआ, फिर से आ गए? क्या हुआ दीदी? देखो ये क्या है? रोमिसरी नोट है। किस लिए? हमारे रहते आप उस घर में कदम नहीं रखोगी, ये हमें पता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जब भरोसा ना हो तो कागज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए लिख कर लाए हैं। जब कोई कर्ज लेता है तो वो घर या सोना गिरवी रखता है, लेकिन भाभी का प्यार भाई को दिलाने के लिए हम सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसी से हमारा कर्ज चुकता होगा। आहा। हम सब चाहते हैं कि हमारा कर्ज
चुकता हो जाए, इसलिए हमने घर छोड़ दिया है। हमारा प्यार मिट्टी में मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन हम भाभी को भैया से मिलाकर ही रहेंगे। लिखा तो अच्छा है, साइन कौन करेगा? परमिशन देंगी तो साइन भी कर देंगे। साइन कर दो। इस बारे में तुम्हारे भाई को पता है? नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लीज उन्हें मत बताइए। महेश, महेश, महेश कहाँ है चाचा जी? दोस्त के घर पर गया है। दोस्त के घर पे? मैं उसके लिए चिकन बिरयानी लाया हूँ, उसे लेग पीस पसंद है ना? तू उसका साइज जानता है ना, तो रोज इस तरह लेग पीस मत लेकर आना, उसका साइज एक दिन मेरे जैसा हो ऐसे जाएगा। नजर मत लगाइए चाचा जी। ये क्या चाचा जी, मेरे हाथ में बिरयानी की थैली है, बिरयानी की खुशबू आनी चाहिए मगर गजरे की खुशबू आ रही है। मुझे तो चूहा बनने की बू आ रही है। चाचा जी, हमारे घर के आसपास भी मोगरे का पेड़ नहीं है, तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं पड़ोस के घर के मोगरे का पेड़ तो नहीं चलकर आ गया? चूड़ियों की आवाज भी आ रही है। चाचा जी, चाची आई है। अगर उसको मुझ में इतना इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ आकर क्यों पड़ा रहता? फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बिरयानी आकर ले ले रे। ए, मेरा नाम है। पता है तेरी तो, क्यों आई हो यहाँ? घर बसाने। चली गई थी ना, कह रही थी मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी जरूरत है, पता चल गया, इसलिए प्यार से आ गई। पहले भी इसी तरह मुझे शौक दिया और मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, अब क्या मुझे दोबारा शौक देने आई हो यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। आपने ही कहा था ना कि जब भी मन बदल जाए तो सीधे वापस यहीं आ जाना। हाँ तो मेरा मन बदल गया और मैं आ गई। सच में बदल गया? सच में। जरा एक मिनट रुको। चाचा जी, चाचा जी, मंजू ने अपना मन बदल दिया चाचा जी, इस खुशी के मौके पर भाई होते तो। अच्छा, हाँ, तो जाकर बुला। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अरे रुक रे, इस तरह भागकर कहाँ जाएगा तू? दिल्ली, चेन्नई, ओडिशा कहाँ? देखने के लिए सिर्फ बड़ा है तू, लेकिन दिमाग तेरा छोटा के छोटा ही है। कहीं भाई ना बिगड़ जाए इसलिए तूने ABCD किसी भी ग्रेड की मूवी नहीं देखी, फिर भी तू कितना बिगड़ गया है। अरे जो आने वाले हैं उसके बारे में सोचना छोड़ और जो आई है उस बीवी के बारे में सोच। देख, तेरी शादीशुदा जिंदगी में चार चांद लगाने आई उस चांदनी को पहचान। जा मेरे शेर जा, उससे पहले कि उसका मूड बदल जाए दो चार प्यार की बातें कर। जा 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 मेरे शेर जा। तो जाता हूँ, मगर महेश आए तो उसे बिरयानी जरूर खिला दूंगा। जा जा जा। नजदीक मत आइए। ऐसा क्यों? फिर से नहाना पड़ेगा। इस उम्र में जितनी बार नहाओगी उतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अचल अचल चम चम चक चम, मिलन मिलन चम चम चक चम, अचल अचल चम मिचल मिचल चम गुचल गुचल चमिया। महकी 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 दुनिया फिर से महकी, चहकी 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 फिर से खुशियां चहकी, बंजर धरती पे फिर से कलियां खिली, खुश हो के रब ने हम पे मेहरबानी की, दिल में जो भी ख्वाहिश थी पूरी उसने कर दी, अमृत की बारिश करके जीवन में खुशहाली भरी।
महकी 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 दुनिया फिर से महकी चहकी 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 फिर से खुशियां चहकी। कल रूठ गई थी लौट के फिर आई अब ना मावस फिर आएगी माना है मेरे माही। रुक रुक सी जो गई थी गाड़ी वो फिर से चली रंग थी जो भोली हो गई रंगों वाली जो फिर से तू मिल गई कोई खुशी फिर खिल गई शिकवे शिकायत भूलों की भूल गए हम गली गली महकी 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 दुनिया फिर से महकी चहकी 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 फिर से खुशी चहकी। जो कोयल गुमसुम थी आज वो फिर बोली कल तक जो लहरें चुप चुप थी आज वो फिर डोली मुरझा गई थी जो डाली आई उस पे हरियाली दो राही दो राही आ गई अपनी वो मंजिल दो आंखें एक सपना दो दिल के एक अरमान दिल की दुआ रब ने सुन ली फिर से इश्क की शम्मा जली महकी 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 दुनिया फिर से महकी चहकी 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 फिर से खुशियां चहकी। ये ले। आकाश कहाँ है? आकाश आकाश यहीं पर तो था। चाचा घर छोड़ के कुछ दिन ही हो गए हैं और आकाश तो भैया को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कहीं वो भैया को देखने उधर तो नहीं गया? ये मुझे जान से मरवा कर ही रहेगा। वो अगर शिवाजी को दिख गया तो मैं किसी को नहीं दिखूंगा, मर जाऊंगा। अरे शिवा, ए शिवा, तुमसे यहाँ मिले कोई आया था क्या? नहीं नहीं वही पूछने आया था, कोई मिलने आया था क्या? कोई नहीं आया तो जा 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 जा। क्या हुआ चाचा? नहीं नहीं कुछ नहीं, भारी है चाचा जी। वो आपको आकाश जैसे नहीं दिखा? आकाश कैसे आ सकता है, वो तो वहाँ पर है ना। नहीं नहीं चाचा जी, मैंने देखा उसे। देख देख कुछ नहीं है, कोई नहीं आया। अब तू बस पे देख, वहां पर कहेगा भार्गव दिखाई दे रहा है। ये भार्गव ही है चाचा जी, भार्गव, भार्गव। क्या कर रहा है तू? लेकिन तेरे सारे भाई एक साथ छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तुझे जहां भी देखो तेरे भाई नजर आ रहे हैं। लगता है तू पागल हो गया है। अब इस तार को देखकर बोलेगा कि तेरा छोटा भाई नजर आ रहा है। चाचा जी, इतने साल साथ रहकर अचानक चले गए हैं, जहां देखता हूं वहां मुझे वही नजर आते हैं। उनकी बहुत याद आती है चाचा जी, समझ में नहीं आता क्या करूं। तुम्हें जरा भी अकल है क्या? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसने तुम्हें देख लिया होता तो बात कितनी बिगड़ जाती। एक बार भैया को देखने का मन कर रहा था। ए, ए, और तुम्हें पता नहीं क्या उस रूट में तुम्हारे भाई का गैराज है? पता नहीं चाचा जी, रेगुलर रूट पर ट्रैफिक था इसलिए बस वाले ने वहाँ मोड़ दिया। चलो ठीक है, लेकिन जब तुम नजदीक आ गए थे तो थोड़ा झुक सकते थे, चेहरा झुका सकते थे। किसी के सामने सर नहीं झुकाना। तुम हो किसी के सामने सर नहीं झुकाने वाले योद्धा, दुनिया में एक तुम ही हो और तुम्हारा दूसरा भाई। इधर 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 आओ। क्या हुआ चाचा जी? तुम्हें संभल कर रहना होगा। तुम्हारी एक गलती से भी अगर तुम्हारी भाभी वापस अपनी बहन के घर चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, ये बात लिख लेना।
मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। मंजू जो भी लेना है ले लो, मगर भिंडी लेना मत भूलना, मैं वहां से अंडे लेकर आता हूँ। मैं आती हूँ भैया। अरे मंजू, इमली के साथ तुम्हें ये कच्ची कैरी भी खानी चाहिए। ये कच्ची कैरी आप मुझे खाने के लिए क्यों दे रही हैं दादी माँ? बताती हूँ, समझी? वैसे शिवाजी कहाँ है? ओ शिवाजी, अरे तेरी बीवी माँ बनने वाली है। सच में दादी? झूठी कहीं की, साइड हो जाओ दादी। अरे अरे तो क्या कर रही है? चाचा जी मैं बाप बनने वाला हूँ। इसे नीचे तो उतार। ये लो उतार दिया। उतार बताइए इनके लिए। फोन पर तेरा मिलिट्री वाला भाई है। अरे आकाश, तू चाचा बनने वाला है? क्या बात कर रहे हैं, मैं चाचा बनने वाला हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तू यहाँ नहीं है ना, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। यहाँ पर चाचा जी, भाभी और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी वापस आ जा। अरे तू टाइम पर खाना तो खा रहा है ना? वहाँ सब ठीक तो है ना? बाकी सब एक महीने में आ जाएंगे, एक तू ही है जिसे आने में टाइम लगने वाला है। अगर तुम लोग सब यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। तू अपनी तबीयत का ख्याल रखना, समझा? और बाकी सब कुछ नहीं भैया, फायरिंग प्रैक्टिस चल रही है। बाप रे फायरिंग, तू वहाँ मत जाना, तू उधर से थोड़ा दूर रहना। उसे बोला पेड़ के पीछे छिप जाए, तू वहाँ बिरयानी देने आएगा। बातें करते हैं चाचा जी, देख तू संभल कर रहना। मुझे कुछ नहीं होगा भैया, आप भाभी का ख्याल रखना। अरे हम ठीक है, तू अपना ख्याल रखना बस। ओके भैया। शिवानी राव के पीजी, गाड़ी खराब हुई थी तो राइडू साहब ने कहा कि आपको लेकर जाऊं। चलो मैं आ रहा हूं। अरे तू गाड़ी बाद में ठीक करना, पहले पैंट का जिप ठीक कर ले, ऐसा राइडू साहब कहेंगे। गलती से हो गया ना? क्या है ना शिवाजी राव, नई गाड़ी है तो किसी के हाथ में कैसे दे सकते हैं। सिटी में इतने मैकेनिक है लेकिन किसी के पास नहीं गया। आप ही स्पेशलिस्ट है इसीलिए यहाँ आया हूँ। ठीक है आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। आओ भांजे आओ। मैं यहाँ भांजा बनकर नहीं, मैकेनिक की हैसियत से आया। भांजे का गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। गुस्से और आत्मविश्वास में इन्हें फर्क नहीं समझता। वो सब जाने दीजिए, कौन सी गाड़ी को रिपेयर करना है? रिपेयर वो तो तुम बाद में कर लेना। कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा चैलेंज जो तुमने किया था? क्यों, मेरे और मेरे भाइयों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहने से पहले डर लग रहा है तुम्हें? किसको सर झुकाना है और किसको नहीं, ये जानने के लिए एक साल या महीने नहीं, बस कुछ पल कुछ मिनट काफी है। तेरे दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था उसका? अब आकाश, हाँ आकाश ही होगा। क्या कर रहा है वो आजकल? मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है, एक साल बाद सैनिक बनकर लौटेगा। बाप रे, अच्छा तूने यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है? नहीं, सच दिखाने के लिए बुलाया हूँ। वो देखो, बेचारे को ये भी पता नहीं होगा कि ये पहाड़ी इलाका मेरा है। उस दिन मैं तुम्हारे भाइयों से यही काम करवाने वाला था तो तुम बहुत उछल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। चैलेंज करना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल है। गाड़ी निकाल रहे हैं, चलो चलो। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया था ना तू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ट्रेनिंग के लिए कुछ वक्त है भैया, इसलिए मिलिट्री वालों ने मुझे यहाँ भेजा। ठीक है तू घर चल, फिर बात करते हैं। हम अपनी कसम खाकर कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे। क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगा भैया। क्यों? क्यों आऊं मैं? क्या हमको अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना है? हम अपने दम पर नहीं चल सकते? हर चीज के लिए आप पर डिपेंड करना पड़ेगा। आप बुलाओगे तो नहीं आऊंगा मैं, मुझे लगेगा तब आऊंगा मैं। ठीक है सर, अब आप अपने पैर पर खड़े रहेंगे।
और जब आपका दिल करेगा तभी आप घर लौटेंगे। मैंने सोचा था जब तुम मिलिट्री ऑफिसर बन के घर आओगे तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा, लेकिन अब तो पता नहीं कि तुम कब घर आओगे, तो मैं तुम्हें अभी सैल्यूट करता हूँ। संजोए थे सपने जो हमने इन आँखों में, छोड़ चले उनको हम किस्मत के हाथों में। थाम उंगली जिनकी हम चलना सीखे थे, अपनों से दूर होके अब तन्हा वो तड़पेंगे। भूलेंगे ना हम जीवन भर प्यार भरा ये कर्ज तेरा, भर लेंगे हम सीने में आंसू और दर्द तेरा। भाई है हमारा तू है तेरे प्यारे हम। का सब संभाल लूंगा, तुम लोग अपना एग्जाम ठीक से लिखना, समझ गए ना? ठीक है, ठीक। और वो आम ठीक से खा लेना। अरे कौन है, मार डाला? इसने मुझे मारा या मैंने इसको मारा? क्या शिवा, गैराज से इतनी जल्दी वापस आ गए हैं? गाड़ी में बैठ। मेरी बाई आंख फड़क रही है, कुछ गलत होने वाला है, गलत होने वाला है। अभी मैं आकाश को पत्थर तोड़ते देख कर आ रहा हूँ और चारों भाइयों को भी आपके साथ देख चुका हूँ। ये सब क्या चल रहा है बताइए? ये सारा ड्रामा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं बताइए चाचा जी, वरना रिपेयर के लायक भी नहीं छोड़ूंगा आपको मैं। सब बताता हूँ, बताता हूँ। बस मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया इन्होंने। मेरे छोटे छोटे भाई अब इतने बड़े हो गए हैं, अभी जाकर उनके कान खींचकर उन्हें घर ले आता हूँ। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, जिसने उनको जाने के लिए कहा है वही उनको वापस ला सकता है। ठीक है तो उसी के कान खींचूंगा और कहूंगा कि उन्हें वापस बुलाए। देख शिवा, तुम्हारे ऐसे करने से वो उन्हें वापस तो बुला लेगी, लेकिन उस दर्द का एहसास ज्यादा देर नहीं रहेगा। मंजू अपनी दीदी के चंगुल में फंसी है, पर एक ना एक दिन वो जरूर उन्हें बुलाएगी, मुझे विश्वास है। क्या ऐसा मुमकिन है चाचा जी? कल तक तो वो बिन ब्याही लड़की थी, आज वो एक घर की बहू है, कल चलकर वो एक बच्चे की माँ बनेगी, उसका मन बदलेगा और ममता भी बढ़ेगी। लेकिन चाचा जी, मंजू का मन बदलने तक मेरे भाइयों को ये सब हरगिज नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन तुमने आकाश को देख लिया है ना? आकाश ने कहा वो एक महीने बाद कैंप जाएगा, आप कहिए कि मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। ठीक है, तेरी बीवी का मन बदलने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है चाचा जी? पिताजी, यही घर है। आइए चलो चलो जल्दी करो। सुनिए तो, क्या हुआ? आपके चाचा जी की फैमिली सामने वाले घर में क्यों शिफ्ट हो रही है? बहुत दिनों से ये लोग कह रहे थे कि घर चेंज करना है, अब जाकर घर मिला है। इतनी बड़ी फैमिली? इतने जोर से मत बोलो, नजर लग जाएगी। वो लड़की कौन है? हाँ, वो लड़की चाचा जी की बहू है। बेचारी, देखो तो, प्रेग्नेंट है फिर भी वो लोग उसे कितना काम करवा रहे हैं। ऐसा तुम्हें लग रहा है? देखो वो कितनी खुशी से काम कर रही है, देखो तो। इसको देखकर मुझे मेरी दीदी का ससुराल याद आ रहा है। सच में वो लड़की खुशी से ये सारा काम कर रही है या खुश होने का नाटक कर रही है? खुश होने का नाटक करना बहुत मुश्किल होता है। अभी वो लोग यहीं रहने वाले हैं ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो लड़की खुश है या फिर बस खुश रहने का नाटक कर रही है, तुम खुद ही देख लेना। अरे बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ आ जी, ये आपका बैग। एक कॉफी मुझे भी देना और मुझे भी। अभी मुझे भी। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। जहाँ की दीजिए मुझे ही करना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। पूछिए ना। आप प्रेग्नेंट हैं, फिर भी आपके घर वाले आपसे इतना सारा काम करवाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता क्या? अपने घर में काम करने में कौन सी बुरी बात है? पति के लिए करना समझ में आता है, लेकिन ससुराल वालों के लिए क्यों करूं? हम अपने सास ससुर को माँ बाप समझे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उनकी भाई बहन को अपने भाई बहन समझे तो ये भेदभाव आएगा ही नहीं। मन में उस तरह का ख्याल नहीं आएगा जैसा आप कह रही है। उतारे हुए चप्पल से पता चलता है कि वो लड़के वालों के घर से है या लड़की वालों के। वो कैसे? चप्पल घर की दहलीज पर उतारे तो समझो लड़के का रिश्तेदार है,
और पत्नी के रिश्तेदार हो तो? तो वो रसोई घर के बाहर निकालते हैं। आप सच बताइए, आप उस घर में दुखी तो नहीं है ना? उनके साथ आप खुश तो है ना? मैं भगवान के द्वार पर खड़ी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उस घर में बहुत खुश हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। मैंने उस लड़की से बात की, वो वहाँ खुश है और अपनी मर्जी से काम कर रही है। क्यों शिवाजी? अरे दादाजी, क्या कर रहे हो? और क्या करेगा, बाप बनने वाला है इसलिए खुश हो रहा है। ये लो बेटी, आज मेरी बहू की गोद भराई है, तुम भी जरूर आना। 4 बजे तक जरूर आ जाना। हाँ बोलना नहीं, बहू को अपने साथ लेकर आना। चलो तुम लोग चलो। शिवाजी, बहू को लेकर आना। चलो। ये गोद भराई क्या होती है? जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसके 5वें महीने में ये रस्म करते हैं। दरअसल ये रस्म मायके में की जाती है, मगर वसंता ने जिद की कि अपनी गोद भराई ससुराल में करवाऊंगी। ये रस्म क्यों करते हैं? मनुष्य के जीवन में 100 रस्य क्रम यानी 16 रस्में होती हैं। मतलब? यानी नामकरण, कान छिदाई, जन्म के बाद किया जाने वाला पहला मुंडन, मुंह जूठी, फिर अक्षर अभ्यास, उपनयनम, रजस्व, विवाह, पुंशवनम, गर्भदानम, निषेकम, सीमांतम, गृह प्रवेशम, वनप्रस्थम, संन्यासम और आखिर में क्रियाकर्म। मंजू, इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी में ये 16 कार्यक्रम किए जाते हैं। अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर जाना, उसे कहते हैं वनप्रस्थम। धृतराष्ट्र और गंधारी ने भी यही किया था। अपनी बीवी को छोड़कर जाना, उसे संन्यासम कहते हैं। इन 16 रस्मों में एक रस्म होती है गोद भराई। मुझे तो लगता था आप सिर्फ मैकेनिक हैं, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मुझे जो भी पता है मेरी माँ की वजह से पता है। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, माँ सुलाने से पहले यही कहानियां बताती थी, इसीलिए जानता हूँ। मुझे ये सब नहीं पता है जी। ये गोद भराई की रस्म का एक हिस्सा है। औरत सदा सुहागन रहे और उसके माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियाँ और गर्भ में पल रहा बच्चा सही सलामत रहे, इसलिए उस पर आंचल छिड़कते हैं। वैसे तुम्हारी गोद भराई तुम्हारे मायके में होगी या ससुराल? हेलो। हेलो दीदी, मैं मंजू। हाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं दीदी, परमेश्वर राव जी के घर पर मैं उनकी बहू की गोद भराई में गई थी और वहाँ पर सबका ध्यान मुझे पर था। सब मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हारी गोद भराई कहाँ होने वाली है, तुम्हारे घर पे या तुम्हारी दीदी के घर पे? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं इस वक्त यूरोप में हूँ, अभी नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो मैं ये गोद भराई नहीं करने वाली। खुश रहना है तो बड़े परिवार से दूर रहो। अरे शिवाजी। अरे दादाजी आइए। ये सब क्या है चाची जी, आप सब एक साथ? मंजू की माँ बाप नहीं है, एक बहन है, वो भी विदेश गई है। वो होती तो गोद भराई बड़ी धूमधाम से करती। ये आपकी पत्नी है, इस नाते ये हमारी भी तो बहन हुई ना, इसी नाते से हम आज इनके गोद भराई करने आए हैं। अरे आप तो इसे अपनी तरह पुराने ख्यालों वाली समझ रही हैं। मेरी बीवी मॉडर्न है, इसे ये सब कुछ पसंद नहीं। इसकी दीदी को भी बिल्कुल पसंद नहीं, क्यों मंजू? ये तो क्या बोल रहा है? वो क्या है ना दादाजी, अगर घर में 10 लोग आ जाएं तो इसे लगता है भीड़ हो गई। अगर आप हल्दी चंदन लगाएंगे तो ये सह नहीं पाएगी। इसके नाजुक हाथों में चूड़ियां पहनाएंगे तो इसकी कलाई मुड़ जाएगी। फंक्शन में बहुत सारे लोग होंगे तो उनका ख्याल रखते रखते ये बेचारी थक जाएगी। क्यों मंजू, सही कह रहा हूँ ना मैं? बहू का चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। तुझे पसंद नहीं है तो बोल दे, सबको घर ले जाता हूँ। अरे दादाजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मंजू तुम ही बताओ ना इन लोगों को कि मैं, अगर ये लोग इतने प्यार से करना चाहते हैं तो करने दीजिए ना। झूमे खुशियों में समाज का मौका है आया आज गोद भराई का। झूमे खुशियों में समाज का मौका है आया आज गोद भराई का। कर स्वागत आने वाली नन्ही जान का, होगा साक्षात जो वरदान भगवान का। नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, देख उठी गरी अंगना, रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। रखना समेट के सबके ही आशीर्वाद को, सबकी दुआओं का असर हो रहा। जन्म जन्म तक ना छोड़ूंगा मैं संग तेरा, नन्हा मुन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल ना, महक उठेगा ये आंगना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रे मीठी मीठी हो
हो गए चारों तरफ चांदनी, हो गए घर में सुख की छावनी। संगम वो चंदा सूरज का, रात और दिन देगा जो रोशनी। घर वंशज मेरा तू ही जन्म देगी, घर की तू है महालक्ष्मी। मेरे ख्वाब का एक आधार है तू मेरा संसार, तू तुझसे है सुख सारा। तू ही अपने साजन का है सारा जहां, और तू ही इसकी जमीन है, तू ही आसमां। तुझ पे ओ सजनी वारा है दो जहां। नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, महक उठी गरी आंगना। हाजी हाजी हाँ। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। झूमे खुशियों में समाज का, मौका है आया आज गोद भराई का। तुझको पप्पा और तुझको मम्मी, वो कह के घर में मचाएगा धूम। अपनी शरारत से हमको लुभाएगा, देख के मन उसको जाएगा झूम। बांधेगा बंधन में वो हमको हर दम, सातों सुरों को जू बांधे है सरगम। राम हमारा प्यारा भैया, भाभी है सीता, अपने लिए तो यही रामायण यही है गीता। यही तो है जिंदगी, तुम हो तो मैं भी हूँ। नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा होगा लाल राम, महक उठी गरी आंगना। रे मीठी मीठी होगी चारों तरफ चांदनी, होगी घर में सुख की छावनी। झूमे खुशियों में समाज का, मौका है आया आज गोद भराई का। करो स्वागत आने वाली नन्ही जान का, होगा साक्षात जो वरदान भगवान का। देखा ना मंजू, बड़े परिवार में रहना कितना अच्छा होता है, कितनी खुशी मिलती है। तुम बेकार परेशान होती हो। 100 परिवारों में एक परिवार ऐसा होता है, और उसमें से 99 परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पति पत्नी अलग रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं ना? कौन है भाई? नमस्ते, मैं शिवाजी राव, आपका साडू भाई। मंजू की शादी आप ही से हुई है ना? आई आई है, बैठिए ना। घर में कोई नहीं है? मैंने तो सुना था आपका बहुत बड़ा परिवार है। अभी मैं अकेला ही जिंदगी जी रहा हूँ। कारोबार में नुकसान हो गया, मम्मी पापा चल बसे, भाई बहन भी अपना परिवार लेकर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब ये तो संसार का नियम है, उम्र हो जाने के बाद माँ बाप का जाना, शादी के बाद बहन का घर से विदा होना, और जॉब मिलने पर बच्चों का चले जाना। इस बारे में एक महान कवि ने कहा है कि दांत बच्चों की तरह होता है और जीभ बीवी की तरह। उम्र होने के बाद दांत चले जाते हैं, लेकिन जीभ हमेशा हमारे साथ ही रहती है, हमारी बीवी की तरह। नन्नी को जिस तरह हमने परेशान किया है वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा कहते हैं कि वक्त हर दर्द का मरहम बन जाता है, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा। लीजिए,
मेरे छह भाइयों के नाम से अभिषेक कीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री बालाजी देवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री बालाजी देवाय नमः। राजेश शर्मणः, राकेश शर्मणः, आकाश शर्मणः, प्रकाश शर्मणः, भार्गव शर्मणः, महेश शर्मणः। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। आरती दीजिए, ये प्रसाद दीजिए। चल बाय बाय। हेलो छोटे साहब, एक खुशखबरी है। हमारे लिए सब खुशखबरी है, बोलो। साहब की राज्यसभा की सीट कंफर्म हो गई। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, मेरी राय जल्दी कीजिए छोटे साहब। अरे 5 मिनट में आ रहा हूँ ना, एमपी का बेटा टीवी में उनके साथ दिखना चाहिए। अधिकार पार्टी राज्यसभा अध्यक्ष की लिस्ट अभी सुनाई जाने वाली है। आंध्र प्रदेश राज्यसभा की जो एक सीट थी वो टी सुबा रायडू को दी जाती है। ए, उधर देख, उधर देख। अधिकार प्रतिनिधि की प्रेस रिलीज अभी आपको दिखाई जाएगी। जिसने वोट डाला है उसको एक बोतल और 100 का नोट दे दे। पर जब पद मिल गया है तो हमें जाने की क्या जरूरत है? जब पद मिल गया है तो पुलिस आएगी, पार्टी के लोग आएंगे, प्रजा की आएंगी। ऑर्डर दे दे। ओके सर। शर्म नहीं आती, शराब पीकर गाड़ी चलाता है। टी सुबा राव जी को सीट मिलने की खुशी में उनके पार्टी के लोग आज उनके दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने टी सुबा राव जी का सम्मान किया। टी सुबा राव जी जिंदाबाद। टी सुबा राव जी जिंदाबाद। टी सुबा राव जी जिंदाबाद। के भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। अरे अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से क्या हो गया? जीत की खुशी में पिता को फूल माला पहनाई जा रही है और दूसरी तरफ गलती करने पर उनके बेटे विक्रम को हथकड़ी पहनाई जा रही है, जिन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को घायल किया। इतना ही नहीं, ऑन ड्यूटी ट्रैफिक हवालदार को भी उन्होंने घायल किया। इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें अरेस्ट करवाने वाला उनके मामा का बेटा शिवाजी राव है। घायल हवलदार और लोगों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत अभी सीरियस मालूम पड़ती है। अभी मैं एमपी हूँ, ये पुलिस वाले मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेंगे? मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं उन्हें। ए, कौन है ये यहाँ पर? कौन है जिसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है? अभी एमपी बनने वाले हो, अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारे दिल्ली के सपने तो बहुत दूर रह जाएंगे, मगर यहाँ की भी औकात नहीं रहेगी। ए वर्दी, छोड़ दे उसको। ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका है। फाड़ दो उसे। हाँ, फाड़ने के लिए लव लेटर है वो। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं एक नागरिक हूँ समझे, जिस क्रिमिनल ने उस पुलिस को घायल किया उसे मैंने अरेस्ट करवाया है। देख लूंगा तुझे। जब दूध के दाँत भी नहीं गिरे थे तब से इस मामा भांजे की तकरार चालू है। अपने भाइयों को बड़े ओहदे पर पहुंचाकर आपके सामने खड़ा करूंगा ऐसा कहा था, मगर भगवान कुछ और ही चाहता है। आज उसने तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को क्रिमिनल बनाकर खड़ा किया है। मैं जीत गया ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम हार गए ऐसा कह सकता हूँ। क्या सच में दिल्ली से फोन है? सर, आपके हाथ से आपकी राज्यसभा की सीट चली गई है सर। तेरी वजह से मेरे मुंह तक आया हुआ निवाला छीन गया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, देख लूंगा। जिस ट्रैफिक हवालदार को आपके बेटे ने उड़ाया था वो मर गया है। उसके खामोश होने के बाद अदालत और पुलिस खामोश नहीं बैठेगी। एटलीस्ट आपके बेटे को 7 साल तक। रोज तो पाप की कमाई खाते हो, फिर नया पाप क्यों करते हो? मैं अपने भाइयों को कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाकर दिखाऊंगा, सबको ऊंचे ओहदे पर लेकर आऊंगा और उसी दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा रहूंगा। अगली बार तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई पर हाथ उठाया तो गला पकड़ूंगा नहीं, मरोड़ दूंगा। तो
तुमको डॉक्टर या कलेक्टर बनना होगा तो एग्जाम ठीक से लिखना, ठीक है? ओके। ये प्रसाद किस मंदिर का है? किसी भी मंदिर का प्रसाद हो, भगवान का आशीर्वाद समझ के खा ले। चलो चलो, बस का टाइम हो गया है। मेरी बैग दे दो। हेलो। हेलो दीदी। बोलो, कहाँ पे हो? ऑफिस जा रही हूँ, बहुत पेन हो रहा है। ओह माय गॉड, कहाँ पे हो? सिटी मार्केट में हूँ। ड्राइवर, सिटी मार्केट चलो। आपके लिए फोन है सर। चलो दिखाते हैं। चलो, चलो। मंजू, क्या हुआ? चल हॉस्पिटल चलते हैं, संभल कर। मंजू आंखें खोलो, मंजू मंजू तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंजू मंजू यहाँ पर आकाश तुम लोग बेटे को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ, जल्दी जाओ। चलो
देखो अपने बेटे को। नहीं, मैंने गलती की है, और जब तक आपके सारे भाई घर वापस ना जाएं, मैं बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी। चलो ना, जल्दी करो, अगर भाई ने मैं जानता था तुम सब यही करोगे। तुम सबको घर वापस ले जाने के लिए तुम्हारी भाभी आई है, अब चलो हमारे साथ। हमें माफ कर दो भैया, अब हमें उस घर में रहने का मन नहीं। ठीक है, मत आओ। जिसे जो कहानी सुनानी है सुनाओ, गाड़ी में, बस में, लॉरी में, जिसमें जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी भाभी की पूरी बात तो सुनते जाओ। जिस बच्चे को तुम्हारी भाभी ने जन्म दिया है उसका चेहरा तक नहीं देखा, अब तक तुम्हारी भाभी ने इस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया है। हम लोग इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अब बिना दूध पिया बच्चा, और जिसने दूध नहीं पिलाया वो तुम सबकी भाभी, उनके साथ जो होना है हो जाने दो। अब तुम्हें इस बच्चे को लांग कर जाना होगा। चलो मंजू। हम घर वापस नहीं आएंगे, ऐसी हमने कसम खाई है, और स्टैम्प पेपर पर हमने साइन भी की है। हमें कुछ भी हो चलेगा, पर हमारी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपकी जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए। और अगर मेरी दीदी को कोई एतराज ना हो तो क्या आप सब घर लौट आएंगे दीदी? पति पत्नी में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत हो तो वो चाहे कहीं भी रहे, उनके रिश्ते कमजोर नहीं और मजबूत होते हैं। ये मैं नहीं, तुम्हारे भाई ने हम दोनों को समझाया है। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी बहन से ज्यादा गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। कितना क्यूट है। ये लीजिए भाभी, पहले तो हम भाई को सोना समझते थे, लेकिन ये तो खरा सोना है।